राइस, ये हम एकदम साल भर का कंजम्पशन एकदम खरीद लेते हैं। बट आजकल थोड़े फ्लैट्स वगैरह छोटे होने से और वहां पे रखने की जगह नहीं वगैरह होने से थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है। तो कब अब क्या करते हैं लोग, ज्यादातर मंथली खरीदते हैं, हर महीने का राशन मतलब किराना जो आता है उसमें खरीद लेते हैं। बट अभी भी जिनके बड़े बड़े मकान है वो तो साल भर का एकदम खरीद लेते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। लेकिन हम सब्जी नहीं खरीदते साल की एक बार एकदम से, यानी मानो कितना भी बड़ा मकान हो, बोले मकान गए बाजार में पालक सस्ता मिला, साल भर का खरीद लेते क्या? नहीं, बिकॉज इट हैज गॉट ए पेरिशेबल आइटम है, रख नहीं सकते हैं, तो हम एक ही दिन का लेंगे। लेकिन हो सकता है आलू प्याज हम 8 दिन का लेंगे क्योंकि ज्यादा खराब नहीं होते। तो ऐसे अलग अलग आइटम के लिए कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहिए ये हमें डिसाइड करना है। और हमारा मेन इंटेंशन ये रहेगा कि कम से कम कॉस्ट आ जाए, बिकॉज वी नो दैट इफ यू बाय इन बल्क देन आपको रेट पर यूनिट सस्ता मिलता है, नंबर वन। लेकिन सस्ते के चक्कर में ज्यादा स्टॉक लेके रखेंगे तो उसके ऊपर कैपिटल ज्यादा ब्लॉक होता है, बराबर है, कैपिटल ज्यादा ब्लॉक होता है तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा पड़ता हमको, फिर स्टोरेज का स्पेस ज्यादा लगता, इंश्योरेंस ज्यादा लगता, इन शॉर्ट कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगती है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम थोड़ा थोड़ा मंगवाएंगे तो फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करना पड़ेगा, बराबर है, ज्यादा बार ऑर्डर करना पड़ेगा तो उधर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो वी हैव अ डायलेमा कि इफ यू बाय इन स्मॉल क्वांटिटीज ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस, बट इफ यू बाय इन ह्यूज क्वांटिटीज कैरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि तीनों का टोटल कम से कम हो, मतलब मटेरियल की कॉस्ट, कैरिंग की कॉस्ट और ऑर्डरिंग की कॉस्ट, ये तीनों मिला के टोटल कॉस्ट साल भर में कम से कम आ जाए, ऐसी क्वांटिटी हमें ढूंढ के निकालना है, ऑर्डर क्वांटिटी, और उसी को टेक्निकली बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हाउ मच टू ऑर्डर मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर कल हमने डेफिनेशन भी लिखाई थी कि इट इज दैट ऑर्डर क्वांटिटी फॉर विच मटेरियल्स कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट टूगेदर इज मिनिमम, बराबर है। अभी हमें समझ गया कि ऐसा कुछ तो भी है, अब हमें एक्चुअल प्रॉब्लम करके देखना है कि कैसा होता। तो एक इलस्ट्रेशन लेंगे न्यूमेरिकल तो और ज्यादा अच्छे से समझेंगे, इसलिए ये इलस्ट्रेशन आप लिख लीजिए, यू टू राइट इट, क्योंकि ये मटेरियल में का नहीं है। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा बेकार है इसलिए मैं पढ़ता भी हूं। फॉर कंपोनेंट एक्स, यानी वो कंपोनेंट का नाम है, स्पेयर पार्ट का नाम है कंपोनेंट एक्स, एनुअल रिक्वायरमेंट इक्वल टू ए, मतलब सिंबल रहते हैं ना भैया, सिंबल यूज करते हैं अपन, तो हम क्या करेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए ए सिंबल यूज करेंगे हियर आफ्टर, दैट इज स्टैंडर्ड सिंबल फॉर अस। लिख लिया आपने एनुअल रिक्वायरमेंट ए 360,000 किलो, मतलब साल भर में हमें 360,000 किलो मटेरियल लगेगा साल भर में, एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जिसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे ओ, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, 100 रुपए दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए 100 रुपए लगेंगे, मतलब दो ऑर्डर प्लेस करने के लिए 200 लगेंगे, 10 ऑर्डर प्लेस करने के लिए 1,000 लगेंगे, इट्स सो सिंपल। देन कॉस्ट पर यूनिट इसको हम सी बोलेंगे, कॉस्ट पर यूनिट इसको हम सी बोलेंगे 8 रुपए, कॉस्ट पर यूनिट उसको सी बोलेंगे 8 रुपए, मतलब हम खरीदेंगे तो एक यूनिट हमें 8 रुपए का मिलेगा, एक यूनिट हमें 8 रुपए का मिलेगा, 10 यूनिट खरीदेंगे तो 80 रुपए के होंगे। साल भर के कितने खरीदने हमें, साल भर के कितने खरीदने, 360,000, तो साल भर का मटेरियल कॉस्ट क्या होगा 360,000 इंटू 8, जो आएगा वो कितना आता, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कैसा करना 360,000 इंटू 8, डू एग्री, ठीक है। अब एक यूनिट हम खरीद के यदि रखते हैं गोडाउन में, हमारे स्टॉक में या गोडाउन में एक यूनिट खरीद के रखते हैं जिसकी कीमत है 8 रुपए, तो वो 8 रुपए हमारे फंस गए वहां पर कैपिटल।
अब उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, फिर स्टोरेज का इंश्योरेंस वगैरह निकालना पड़ेगा, तो वो सब हमने कैलकुलेट करके दिया आपको कि भैया वो 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट आती है, 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट उसने दिया, इंटरेस्ट एंड अदर कैरिंग कॉस्ट 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मतलब ये कि 8 रुपए की मटेरियल की कॉस्ट है एक यूनिट की, तो उसका 25% हम कैलकुलेटर से करेंगे तो 2 रुपए आता है, इतना ओवरली आना चाहिए बाय दिस टाइम। 25% मतलब 1/4 होता है, ठीक है, तो 8 रुपए का 1/4 हो गया 2 रुपया, मतलब एक यूनिट 8 रुपए का हम लेके गोडाउन में रख देते हैं साल भर के लिए, पड़ा रहता है गोडाउन में साल भर के लिए, तो 2 रुपए हमारी इंटरेस्ट वगैरह कैरिंग कॉस्ट आ जाती है पर यूनिट पर एनम। आर यू फॉलोइंग? और हमें पूछा है कैलकुलेट ईओक्यू, पूछा है कैलकुलेट ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो, तो ठीक है, तो प्रॉब्लम अभी तक आपने लिख लिया होगा। अब एक बार मैं और बताता हूं एनुअल रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं, यहां तो दे दिया है लेकिन निकालते कैसे है, तो आपको प्रोडक्शन कितना करना है पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा साल भर में। तो सपोज मारुति उद्योग डिसाइड्स कि 1,00,000 कारें उनको बनानी है, एक पर्टिकुलर टाइप की कार 1,00,000 कार बनानी है साल भर में। अब वो 1,00,000 ही क्यों बनाएंगे, जितना वो सोचेंगे कि बेच सकते उतने ही बनाएंगे ना भैया, वो सोचेंगे 10,000 बेच सकते तो 1,00,000 बना के रखेंगे क्या, नहीं, वो सोचते हैं कि 5,00,000 बेच सकते हैं तो 1,00,000 बना के रखेंगे क्या, नहीं, तो सेल क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मान लो कि 1,00,000 कारें मारुति उद्योग को बनानी है तो क्या आप बता सकते हैं टायर कितने लगेंगे, जल्दी से बोलो, नहीं 5,00,000 लगेंगे, क्यों, एक स्टेपनी के साथ स्पेयर व्हील देते ना भैया कि नहीं देते, देते हैं, तो ध्यान रखना 5 टायर एक कार के लिए, तो 1,00,000 कार बना रहे तो 5,00,000 एनुअल कंजम्पशन ऑफ टायर हो गया, 5,00,000 एनुअल कंजम्पशन ऑफ टायर हो गया, डू एग्री? अब हेडलैम्प भी खरीदने उनको तो हेडलैम्प कितने लगेंगे, 2,00,000, क्यों, स्पेयर टाइम हेडलैम्प नहीं देते, 2 हेडलैम्प रहते हैं तो हो गए कितने, हो गए 2,00,000। अब उसमें से बारीकियां करना पड़ेगा, लेफ्ट का और राइट का अलग अलग रहता है, मालूम है क्या आपको, क्योंकि लेफ्ट को कनेक्शन इधर से होगा तो राइट को इधर से होगा ना भैया, सारे लेफ्ट वाले खरीद लिए तो इधर वो बैठेंगे नहीं, तो इतनी बारीकियां रहती कि लेफ्ट हेडलैम्प 1,00,000, राइट हेडलैम्प 1,00,000, फिर स्टीयरिंग व्हील कितने लगेंगे, 1,00,000। तो दिस हाउ वी फाइंड आउट द कंजम्पशन, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं, दिस हाउ वी फाइंड द कंजम्पशन, सिंपल है, समझ रहे कि नहीं। तो एनुअल कंजम्पशन इज ऑलवेज ऑफ आइदर रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स, नॉट फिनिश गुड, बिकॉज वी प्रोड्यूस फिनिश गुड, फॉर दैट वी परचेस रॉ मटेरियल कंपोनेंट। तो ईओक्यू इज नॉट कंसर्न विद द फिनिश गुड, इट इज कंसर्न विद द रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स टू बी फिटेड इन टू द फिनिश गुड, इज दैट क्लियर? कभी कभी वो क्या करते, दो चीज देते हैं, एनुअल कंजम्पशन भी दे देते, एनुअल डिमांड भी दे देते, ठीक है। तो एनुअल डिमांड है फिनिश गुड की रहती है और कंजम्पशन है रॉ मटेरियल और कंपोनेंट का रहता है, तो हमें वो डिमांड का कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे देते हैं, और फिर हम डिमांड लेके कैलकुलेट करते हमारा बराबर बोलते सी वाले पास नहीं करते, ये अपनी कंप्लेंट है। तो यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो सिंपल है कि एक ऑर्डर प्लेस करो 100 रुपये खर्चा आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट 8 रुपये है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरेस्ट एंड अदर 25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये 25% मटेरियल कॉस्ट का है, तो हम इसको लिखते आय इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, PUPA, पूपा मत पढ़ना उसको, पर यूनिट पर एनम, अभी आजकल किसी का भी शॉर्टकट कर देते हैं तो पूपा नहीं पढ़ना, पर यूनिट पर एनम, ये होगा 8 रुपए का 25% यानी के 2 रुपए, इतना समझ गया? मतलब क्या हुआ इसका कि एक यूनिट हम गोडाउन में साल भर के लिए रखेंगे तो 2 रुपए खर्चे आएंगे। तो ये मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया क्योंकि थोड़े लोग लेट आते रहते इसलिए, अब तीसरी बार नहीं करूंगा, लेट एनीबडी कम, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब हम करना क्या है, कैलकुलेट ईओक्यू, मतलब साल भर में तो 3,60,000 लगता है लेकिन हम एक टाइम में कितना खरीदेंगे, एट अ टाइम, एट अ गो, एक एक ऑर्डर में हम कितने का खरीदेंगे, ये हमें निकालना है। और उद्देश्य क्या है हमारा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, टोटल कॉस्ट कम से कम हो साल भर का, ठीक है। तो इसलिए हम एक टेबल बनाते हैं ऐसा, तो ये आपको टेबल बनाना पड़ेगा।
मेरा काम थोड़ा आसान है, घर से बना के लाया, होमवर्क किया मैंने, तो आपको लिख के लाना है। तो ये टेबल बनाइए आप, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट पर एनम। अब ये टेबल हमको बार बार बनाना पड़ेगा, मतलब बार बार है ना, एक प्रॉब्लम में एक बार, ऐसे एक जैसे जितने प्रॉब्लम है उतनी बार तो कम से कम बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी कॉस्ट पर एनम, पीए यानी पर एनम। फिर लिखा है ऑर्डर क्वांटिटी क्यू, फिर लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट ए बाय क्यू इंटू ओ, ये रुपीज में आएगा। अब ये ए बाय क्यू इंटू ओ कैसा आता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लीजिए आप, आई विल एक्सप्लेन हाउ इट कम्स ए बाय क्यू इंटू ओ। फिर कैरिंग कॉस्ट ये क्यू बाय टू इंटू आई कैसा आता है आई विल एक्सप्लेन। देन मटेरियल्स कॉस्ट ए इंटू सी, ऑलरेडी एक्सप्लेन, वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन। और तीनों की टोटल टोटल कॉस्ट सिंपल है। थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको, रीजन ये कि एग्जाम में आपको यहां पर हम लोग दो घंटे में चार प्रॉब्लम करते हैं, एग्जाम में आपको तीन घंटे में बारह प्रॉब्लम करने पड़ते हैं, और वो भी एग्जाम कंडीशन में, मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, राइटिंग का स्पीड, समझने का स्पीड, सब कुछ। तो थोड़ा कोशिश करो कि थोड़ा जल्दी जल्दी लिख पाए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, आई एम नॉट इन हरी, उधर एग्जाम में पेपर कंप्लीट नहीं होगा तो ज्यादातर लोगों की ये कंप्लेंट रहती है एग्जाम से आने के बाद, पेपर तो आसान था, सब आता था, लेकिन पूरा लिख नहीं पाया, क्यों? प्रैक्टिस नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग तो जैसे कोई लेट आते, कुछ स्टूडेंट्स आते, पूरा सॉल्यूशन होने के बाद वो अपना मोबाइल से उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, दे डोंट टेक पेंस टू राइट। I don't want to trouble you, but then हमारे एग्जाम तो अभी कंप्यूटर पे नहीं होती ना भैया, वो तो लिख के होती, तो यू हैव टू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, कोई उपाय नहीं उसके लिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पूरा लिख के, हैव फिनिश द टेबल, टेबल हो गया ना। अब देखिएगा अभी हमें करना क्या है, बेसिकली उसके ऊपर फोकस कीजिए कि साल का कंजम्पशन 3,60,000 किलो है, मिला क्या? ये यहां पर है, साल का कंजम्पशन 3,60,000 किलो दिख रहा है आपको, पॉइंटर इधर मेरा आ रहा है, दिख रहा है ना। तो हमें एक साथ कितना खरीदना है, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि चलो एक बार एकदम 3,60,000 खरीद लो, खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पालक थोड़ी है, ये खराब होने वाला आइटम नहीं है, है तो नहीं खरीदेंगे हम, खरीद सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा खर्चा आएगा, तो हम कुछ ना कुछ आइटम लेके चल लेते हैं कि मतलब 3,60,000 है साल का, तो महीने का कितना हो जाएगा 30,000। तो जैसे महीने का किराना खरीदते वैसे महीने का खरीद लेते ना, सोचते हैं कितना आएगा। अब कैसा करना है मालूम है आपको, आपको अलग अलग क्वांटिटी ले लेके देखना पड़ेगा, यानी 30,000, 15,000, 10,000, 2,000, 1,000 ऐसे अलग 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 लेके देखना पड़ेगा, और उसके लिए साल भर की कॉस्ट कितनी आती वो निकालनी पड़ेगी, और जिसके लिए मिनिमम आती वो हमारा आंसर। तो बोले अरे ये तो बहुत ही अजीब है, अब ऐसे ही है, क्या करें उसके लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते एरर एंड ट्रायल, या ट्रायल एंड एरर मेथड, कुछ लोग उसको टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि टेबल बनाते हैं इसलिए टेबुलर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ ना कुछ क्वांटिटी लेके देखेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप, 3,60,000 भी ले सकते हैं, 1,00,000 भी ले सकते हैं, जो चाहिए वो। तो मैं महीने भर का हिसाब कर लिया, तो 3,60,000 / 12 कर लिया, कितना है 30,000। तो लेट्स कैलकुलेट फॉर 30,000। तो मैं पहला आइटम कर रहा हूं इसलिए एक लिखता हूं यहां पर, एक 30,000। अब फिर 30,000 रुपए है कि पैसे है, किलो है, तो यहां पे किलो लिखना चाहिए, ऊपर लिख दीजिए किलो, कभी भी यूनिट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, 30,000 किलो। अब ध्यान दीजिए, 30,000 किलो की एक ऑर्डर, 30,000 किलो की एक ऑर्डर, और साल भर में कितना लगता है 3,60,000। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, 12 ऑर्डर होंगे। तो ये 12 ऑर्डर आए कैसे, आपने ए बाय क्यू किया,
ए है 360,000, क्यू है 30,000, तो ए बाय क्यू आया 12 ऑर्डर। अब एक ऑर्डर का कितना लगता, 100 रुपया, एक ऑर्डर का 100 रुपया, 8 रुपये तो मेटेरियल की कॉस्ट है, ये ऑर्डर की कॉस्ट, लेटर लिख के डालने की कॉस्ट, ठीक है। तो 100 रुपये एक ऑर्डर का, ऑर्डर कितने प्लेस करने, 12, तो 100 × 12 या 12 × 100, 1200। तो फार्मूला कैसा आया समझे आपको, ए बाय क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर आएगा, मल्टीप्लाइड बाय ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, गुणा करेंगे तो साल भर का आएगा। दैट्स हाउ वी गॉट द फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले कॉमन सेंस से बनते हैं, मैं तो फॉर्मूला यूज ही नहीं करना चाहता, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि फॉर्मूला हो, इसलिए मेरे को फॉर्मूला लिखना पड़ता। फॉर्मूले आर ऑलवेज, आई ऑलवेज से दैट फॉर्मूले आर ऑलवेज देयर फॉर लेस, आई मीन फॉर द पीपल विथ लेस कॉमन सेंस। जिनके पास कॉमन सेंस की कमी है उनके लिए फॉर्मूला रहता, जिनके पास कॉमन सेंस है वो फॉर्मूला ऐसे ही बना लेते, कोई जरूरत नहीं फॉर्मूले की। लेकिन हमें इंस्टीट्यूट में प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो वो चाहते हैं कि फॉर्मूला लिखो और वो एग्जामिनर सामने नहीं रहता, उसको कहां एक्सप्लेन करेंगे, 360,000 फिर 30 का 1 तो 12 ऑर्डर फिर मतलब 100, वो तो सामने नहीं रहता ना, तो उसके लिए अपना सीधा ए बाय क्यू इंटू वो खत्म। ऑलराइट, तो हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड हाउ यू गॉट ए बाय क्यू इंटू वो, पक्का। अभी लिखने का है, ए है 36, 360,000 बराबर है, क्यू ऑर्डर क्वांटिटी हमने डिसाइड किया 30,000 इंटू ओ डिसाइड है 100, तो ये आ गया था आपका 1200 बराबर है, इज दैट राइट। इतना समझा, कोई भी डाउट है तो हाथ उठाने के पूछने का, यू कैन इंटरप्ट इन बिटवीन फॉर आस्किंग योर डाउट, यू नीड नॉट वेट टिल द एंड ऑफ द क्लास एंड नेवर टिल एंड ऑफ द सेशन, मतलब पूरा कोर्स होने के बाद ही पूछे, बोले आपसे क्या क्या पूछते हैं, ऐसा नहीं, इमीडिएटली जहां भी डाउट है पूछो, आई डोंट माइंड बींग इंटरप्टेड एन नंबर ऑफ टाइम्स, एन मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ऑलराइट, चलिए, तो 1200 रुपए है, ऊपर लिखा हूं मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट रुपए, दिखा क्या आपको। ऑलराइट, अब कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, कैरिंग कॉस्ट, अब एक साथ हम कितना मंगवा रहे हैं, 30,000 मंगवा रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ निकालना पड़ेगा मुझे, आपको निकालने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट के लिए समझाने के लिए, सो यू नीड नॉट ड्रॉ इट, निकालना है तो निकाल सकते बाजू में, हरकत नहीं, बट एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। अभी जैसे एक ग्राफ निकालता हूं मैं, ठीक है, यहां पे लिखता हूं 30 दिन, फिर 60 दिन, 90 दिन, फिर 120 दिन एंड सो ऑन, डेज, ग्राफ समझते ना, इधर डेज प्लॉट किया, ठीक है। और हमने डिसाइड किया कि हम एक साथ कितना खरीदेंगे, 30,000, तो इधर हम यूनिट्स लिखते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 10,000, 20,000, 30,000 किलो, ठीक है। अब हमने 30,000 किलो माल ले लिया, तो यहां पे है हम, ये डॉट दिखा आपको, यहां पे है हम, अब ये जो माल है ये 0 दिन में है, आज मतलब 0 दिन, आज मतलब 0 दिन, तो यहां पर हम है, आज खरीद लिया, आज कुछ भी इन्वेंटरी नहीं थी, 30,000 का माल खरीद लिया, तो हमारे पास स्टॉक लेवल हो गई 30,000, यहां पर हम आ गए। फिर रोज थोड़ा थोड़ा खत्म होगा ना कि नहीं होगा, 30 दिन में 30,000 या 360 दिन है महीने में, साल भर में, आप बोलेंगे नहीं 365 रहते हैं, तो अभी 365, 360 झगड़ा मत करो, चलता है, क्यों, महीने में कितने दिन रहते हैं, 30, साल में महीने कितने रहते हैं, 12, तो 12 × 30 कितने हो गए, 360, तो 5 दिन एक्स्ट्रा, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है कैलेंडर का, ये कैलेंडर का प्रॉब्लम है, तो 360 नॉर्मली हम लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान होते हैं, तो 360,000 डिवाइड बाय 360 कर दो, तो पर डे कितना आएगा, कंजम्पशन कितना आएगा, 1,000, आर यू फॉलोइंग, 360,000 साल भर का डिवाइड बाय 360 दिन, तो 1,000 यूनिट पर डे हमारा प्रोडक्शन में लगेगा यानी कंज्यूम होगा, तो एक दिन होने के बाद 30,000 में से 1,000 खत्म हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन में लग जाएगा ना, तो 29,000 बचेगा, दूसरे दिन कितना बचेगा, 28 बचेगा, फिर तीसरे दिन कितना बचेगा, ऐसा करते करते 30वें दिन कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो इसलिए हमने ग्राफ ऐसा निकाला, 30,000 से लेके तो 30 तक, ठीक है। अब जैसे हमारा स्टॉक खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, और ऑर्डर भेजेंगे भैया, रिपीट ऑर्डर, 30,000 और भेज, तो 30,000 फिर से आ जाएंगे, तो से दन से 30,000 हो जाएंगे। इधर हमने ग्राफ ऐसा धीरे धीरे निकाला, क्यों, कि रोज 1,000 ऐसा ग्रेजुअली हम कंज्यूम कर रहे हैं,
और उधर 30,000 एकदम से आते हैं ना, इसलिए सीधी लाइन निकाली रप्प से 30,000। नहीं डायग्राम निकालना भी कारण रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं निकालते, ऐसा झिकझक निकालना है बोले। अब कुछ लोग निकालने के लिए निकालते तो ऐसा निकालते हैं, अरे ऐसा नहीं होता ना, माल थोड़ा थोड़ा नहीं बचता, 5-5 किलो नहीं भेजता हो, एकदम बोलता जितना भेजा उतना। ऑलराइट, इसलिए ऐसा निकाला। फिर से क्या होगा, फिर कंजम्पशन शुरू, फिर एक दिन में 1,000 और कम, ऐसा करते करते 30,000 से 60वें दिनों फिर से जीरो होगा, होगा कि नहीं। फिर उसके बाद 60वें दिन फिर माल आएगा, फिर 30,000 हो जाएगा, होगा ना, 30,000 का ऑर्डर प्लेस कर रहे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे खत्म होके वो 90 पे आएगा, मतलब 90 दिन में शून्य पे आएगा, इधर शून्य, ये जीरो लेवल है ना, ये आड़े में, ये आड़े में जीरो लेवल है, समझ रहे हैं ना, ये जीरो लेवल पे आ जाएगा। फिर 90 दिन क्या करेंगे हम, और एक कंसाइनमेंट आएगा, तो वो फिर से आपका कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, और फिर चलते रहेगा 120वें दिन जीरो। तो ये इन्वेंटरी लेवल हमारी कैसी हो रही है, शून्य से 30,000, 30,000 से फिर जीरो, जीरो से फिर 30,000, 30,000 से फिर जीरो, जीरो से फिर 30,000, यानी कि कभी 30,000 रहता है, कभी जीरो रहता है, कभी 29, कभी 28, कभी 27। तो यदि हम ऐसा 30, 29 यानी 0, 1,000, 2,000, 3,000 ऐसा 30,000 तक के ऐड कर देते हैं और उसको 30 से डिवाइड करते हैं, तो उसको एवरेज बोलते हैं, पता है आपको, पता है ना। और आपको यह भी पढ़ाया गया है सीपीटी में कि यदि ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब डिफरेंस कांस्टेंट, तो 30,000, 29,000, 28,000, 27,000 1,000 का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो यदि डिफरेंस कांस्टेंट है तो एवरेज आता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, याद है क्या आपको। तो फर्स्ट टर्म जीरो थी, या 30,000 पकड़ लो, ज्यादा ज्यादा 30,000, कम से कम जीरो, जीरो प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 2, 15,000 आ गया। तो ये 15,000 हमारा एवरेज में रहेगा, मतलब यहां पे मैं लाइन निकालता हूं, ये 15,000 यूनिट जो है ये हमारे जो रहेंगे, हाँ 15,000 यूनिट जो रहेंगे ये हमारे एवरेज में रहेंगे, डू एग्री, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री एवरेज स्टॉक कितना रहेगा, 15,000 का रहेगा। अब ये 15,000 हम शॉर्ट में ऐसा निकाल सकते, क्यू बाय 2, भैया क्यू क्या है, क्यू 30,000, क्यू क्या है 30,000, 30,000 डिवाइड प्लस 0 डिवाइड बाय 2, यानी 30,000 डिवाइड बाय 2 यानी क्यू बाय 2 है ना, खत्म बात। तो एवरेज स्टॉक इज ऑलवेज क्यू बाय 2, एवरेज स्टॉक इज ऑलवेज क्यू बाय 2, मतलब एक साथ 30,000 मंगवाते हैं तो एवरेज में 15,000 बचेंगे, एक साथ 20,000 मंगवाते हैं तो एवरेज में 10,000 रहेंगे, एक साथ 10,000 मंगवाते हैं तो एवरेज में 5,000 रहेंगे। तो इन शॉर्ट एवरेज इन्वेंट्री इज क्यू बाय 2, डू एग्री। तो यहां पे क्यू बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री होगी, यानी 15,000। अब ये कितने दिन के लिए रहेगा 15,000, सालों साल रहेगा, आप देख सकते हैं, जीरो दिन भी एवरेज 15,000 है, 30वें दिन भी एवरेज 15,000 है, 120वें दिन भी एवरेज 15,000 है, मतलब ये सालों साल रहेगा 15,000 एवरेज में, कभी 30 कभी 0, लेकिन एवरेज में 15,000 सालों साल, तो पूरे साल भर 15,000 रहेगा। अब एक यूनिट को एक साल स्टॉक करने के लिए कितना खर्चा आता है, 8 रुपए मटेरियल की कॉस्ट है सर, भूल गए आप, 8 रुपए मटेरियल की कॉस्ट है, कितना लगता है, 2 रुपया, ये यहां पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो एक यूनिट एक साल भर स्टॉक में रखने के लिए इंटरेस्ट और वगैरह कैरिंग कॉस्ट आती है 2 रुपए, तो एक यूनिट स्टॉक में पड़ा रहेगा तो 2 रुपए लगते हैं, हमारे स्टॉक में कितने पड़े हैं, 15,000 एवरेज में, तो 15 × 2 30,000, तो ये कैसा है, क्यू बाय 2 × I, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अ फॉर्मूला देयर, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, दिखा क्या आपको, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू बाय 2 × I, मिला। तो हियर आफ्टर आई जस्ट डू कैरिंग कॉस्ट क्यू बाय 2 × I, बट कैसा है वो पूरा, उसके पीछे लॉजिक पूरा ग्राफ आप निकाल के समझाया मैंने। अब आपको याद करना है कि एवरेज स्टॉक क्यू बाय 2, वैसे भी आप बहुत बार एवरेज पढ़े ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ऐसा भी किया आपने, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, कम से कम जीरो रहेगा,
ज्यादा से ज्यादा 30 रहेगा, एवरेज 15,000, यानी क्यू बाय टू। डू यू एग्री? तो क्यू बाय टू यानी 30,000 डिवाइडेड बाय टू इंटू आई, 2 रुपए है। ये फिगर याद रखना, 8 कभी भी बोल रहे आप, 8 आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब तक 8 ही बोल रहे हैं आप, आई डोंट नो व्हाई। कुछ भी पूछा तो 8, ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछो तो 8, कैरिंग कॉस्ट पूछो तो 8। अरे भैया 8 है, एक मटेरियल की कॉस्ट है, एक यूनिट खरीदेंगे तो मटेरियल की कॉस्ट 8 रुपए है। और एक बार बता देते, लोगों को कंफ्यूजन होता है, कैरिंग कॉस्ट कैरेज इनवर्ड नहीं है सर? हेलो, कैरिंग कॉस्ट मतलब कैरेज इनवर्ड, क्योंकि 11वीं से अपना वास्ता पड़ता है, कैरेज इनवर्ड डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड डेबिट पी एंड अकाउंट। वो ये नहीं, वो गाड़ी भाड़ा है लाने का, वो ये नहीं है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, मतलब स्टॉक में लाने के बाद वो रखने का जो खर्चा है वो है। ट्रक में लाद के लाने का गाड़ी भाड़ा नहीं है, ये स्टॉक में लाने के बाद, रखने के बाद जो लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्लॉक और स्टॉक इंश्योरेंस, वो है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो इंटू टू किया हमने, इसके कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये आते 30,000 रुपए ऊपर लिखा हुआ है। यहां तक समझा? पक्का? अब तीसरा है मटेरियल की कॉस्ट। अब मटेरियल की कॉस्ट साल भर की चाहिए हमें, तो एक साल में हम कितने यूनिट कंज्यूम करने वाले हैं? 3,60,000। मंगवाए कितने भी हम, 30,000 मंगवाए ना, 10,000 मंगवाए, साल भर में कितना लगना है? 3,60,000। और एक यूनिट की कॉस्ट क्या है? 8। अब बराबर है आपका, ठीक है, 8 रुपए। तो आपका मटेरियल कॉस्ट क्या होगा? 3,60,000 इंटू 8। हाँ मैं करता हूं, मेरे पास कैलकुलेटर भी है। 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो आता है 28,80,000। और इसमें अब ये तीनों की टोटल करना है, तो इसमें 30,000 मिला दो प्लस 1,200 मिला दो, तो ये हो गए 29,11,200। आ गया क्या? इतना आ गया। इसका मतलब क्या है? ये 29,11,200 का मतलब क्या है कि यदि हम 30,000 ऐसे बुलाते हैं माल, तो साल भर में हमें खर्चा आएगा 29,11,200। इसमें मटेरियल की कॉस्ट 28,80,000, कैरिंग कॉस्ट 30,000 और ऑर्डरिंग कॉस्ट 12,000 इंक्लूड है तीनों मिला के। डू एग्री? समझा क्या? अब ये हो गया, हमने 30,000 बुलाया तो ऐसा होगा, 30,000 बुलाया तो ऐसा होगा। अब थोड़ा कम बुला के देखते हैं, 30,000 बुला, महीने का बुला, ओके, किराना थोड़ी है कि महीने के महीने लाना पड़ता, घर में किराना महीने के महीने क्यों लाते? क्यों लाते? क्योंकि सैलरी महीने के महीने होती है, इसलिए घर में किराया महीने का महीने क्यों लाते? क्योंकि सैलरी महीने में एक बार होती है, इसलिए। अब हर एक की सैलरी महीने के महीने नहीं होती, जो डेली वेजेस वाले वर्कर्स है उनकी हफ्ते के हफ्ते सैलरी होती है, जैसे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के मजदूर है ना, उनको हर मंगलवार को सैलरी मिलती है, तो उनका ठहरा हुआ है मंगलवार को सैलरी, ठीक है, या संडे को मिलती होंगी, जिस दिन छुट्टी रहती है उसके पहले दिन उनको सैलरी देते, तो वो एक हफ्ते की देते उनको, ठीक है, तो वो बेचारे महीने भर का किराना नहीं खरीद सकते, वो एक हफ्ते का ही खरीदते, ये पता है आपको, जो मजदूर लोग है उस महीने भर का नहीं खरीद सकते, उतने पैसे नहीं रहते उनके पास, तो एक हफ्ते का खरीदते। कुछ और डेली वेज अर्नर होंगे कि रोज के रोज काम करने का, रोज के रोज पैसे लाने का, तो रोज के रोज काम करते, रोज के 300-400 रुपए मिलते, मिले कि शाम को दुकान में जाते और वो उस दिन का ही सिर्फ किराना लाते, उस दिन का ही तेल, उस दिन का अनाज जो भी है उस दिन का लेके आते। तो ये जरूरी नहीं कि महीने का ही लेना चाहिए, और ये तो इंडस्ट्री है, यहां सैलरी का सवाल ही नहीं है, ये तो इंडस्ट्री है ना, यहां सैलरी का थोड़ी सवाल है, तो इसलिए महीने का हिसाब करने की जरूरत नहीं, तो हम रैंडमली कुछ भी कर सकते। अब 30,000 कर लिए ना, तो ऐसा कर ले थोड़ा कम कर लेते, कम कितना? 15,000 कर लेते, कुछ भी कर सकते। आप बोलेंगे 15 क्योंकि 29 करो, आई डोंट माइंड, क्योंकि अपने को सभी आइटम कर करके देखने, जैसे 30 के लिए किया वैसा अलग 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 लेवल पे कर करके देखना है, और जहां भी टोटल मिनिमम आए वो हमारा आंसर। कुछ समझ रहे? तो आपको चिंता हो रही होंगी, अभी ये तो बहुत शाम हो जाएंगी ऐसे से नहीं, 9 बजे के पहले प्रॉब्लम खत्म होगा, क्योंकि 9 बजे क्लास खत्म होती ना आपने तो 30 का अपन अभी 15 कर लेते, चलेगा? तो हम सेकंड लेवल पे लिखते 15,000,
15,000 किलो। अब आपको ये प्रोग्राम रन करना है, प्रोग्राम रन करना है मतलब ये कैलकुलेशन करना है ना आपको, जहां 30,000 था वहां 15,000, तो फिगर डाल के खटखट कैलकुलेट करते आएंगे ना आपको कि नहीं। अब मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं, फार्मूला है सब है, ए 360,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100, समझ रहे क्या? 360,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100, तो ये आ गए 2400। आ रहे क्या? देखो फिर उसके बाद कैरिंग कॉस्ट। अब 15,000 यदि हम खरीदेंगे एक साथ तो एवरेज में रहेगा 15,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये आ गया 15,000। और फिर मटेरियल की कॉस्ट तो उतनी ही रहेंगी ना, मटेरियल की कॉस्ट उतनी ही रहेंगी क्योंकि एक साल भर का हिसाब है ना पूरा, तो साल भर में मटेरियल कॉस्ट उतनी ही रहेगी। फिर टोटल करनी पड़ेगी अपने को, नहीं मैं करता हूं आप अपना करो बाबा, क्योंकि क्या है ऐसा अनुभव है मेरा कि आपको पूछते रहूंगा ना तो अलग अलग लोग कैलकुलेटर अलग अलग आंसर बताते हैं, तो इसलिए आई डोंट रिलाय एंड आई रिलाय ओनली ऑन माई कैलकुलेटर, समटाइम्स इट ऑल्सो गोज रॉन्ग, तो यू हैव टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हो गया क्या आपका? तो ये आ गया 28,97,400। आ रहा क्या? अब देखो जब 30,000 बुला रहे तो साल का लगता था 29,11,000, अब 15,15 ही बुला रहे हम तो पैसा कम लग रहा, कम हो गया ना 29 लाख से 28 लाख, थोड़ा सा कम हो गया 10-15 हजार कम हो गया ना, 1 लाख कम नहीं हुआ, 10-15 हजार जो भी है, लेकिन कुछ भी बचा, बचा तो सही। अब ऐसा करते कि हमें अभी ऐसा चस्का लगा कि बोले ये क्वांटिटी कम मंगवाई ना तो कॉस्ट कम होती ना, तो और कम मंगवा के देखो, अब बढ़ाएंगे तो नहीं ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 30,000 के लिए इतना 15,000 के लिए इतना, अथवा और बढ़ाने में मतलब नहीं, क्वांटिटी और कम करनी चाहिए। तो अभी ऐसा करो 10,000 के लिए लेके देखो, कुछ तो भी लेना है, कुछ तो भी में 10,000 भी आता है। फिर से रिपीट ये कर रहे हैं ना आप, खुद कर रहे हैं ना, 10,000 के लिए करना है अभी। दस हजार किलो तो ये होगा 360,000 डिवाइडेड बाय 15,000 नहीं 10,000 सॉरी 10,000 इंटू 100 तो ये 36 ऑर्डर आएंगे, 3600 हो गए, कैन यू सी 3600। फिर कैरिंग कॉस्ट होगी 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 10,000 और ये 28 लाख, ये आपको करते आना चाहिए अभी, नहीं तो बोले आप लिखते जाओ हम कॉपी करते, मियरली कॉपिंग इज नॉट स्टडिंग, अपने खुद करना चाहिए। मैंने एक लाइन पूरी करके बताई थी, दूसरी भी मैं कर ही रहा हूं लेकिन आपको खुद करना चाहिए। टोटल 28 लाख कितना 93,600, 28,93,600 देखो और कम हो गया ना कम कि नहीं, कम हो गया। फिर अब ऐसा करते हैं, एक मिनट ठहरो 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 एक मिनट ठहरो, ऐसा ऐसा करते हैं कि 5,000 के लिए तो कर ही सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा 6,000 के लिए कर लेता हूं। क्यों मत पूछना, क्यों नहीं पूछना इसलिए नहीं पूछना कि भाई हरेक लेवल पे करना है ना, हरेक लेवल पे करना है तो 6,000 पे भी कर लेते हैं चेक। अब आप आधा आधा करते जा रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज उसमें, 6,000 के लिए करो 360,000 डिवाइड बाय 6,000 इंटू 100 कितना आता है, नहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आती, 6,000 ठीक है। फिर इधर आइए, ये होगा 6,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 मतलब 6,000 और ये 28,80,000
और 28,92,000, अरे क्या 28,92,000, अब कम हो गया ना भैया, तो आपको अभी अपने को चस्का लग गया कि बोले और कम करो और कम करो, तो इधर पास बचती है, बचती है ना, तो अब आपने जो बोला था ना 5,000 वो भी करके देख लेते हैं, 5,000 आप कर रहे हैं ना, 3,60,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100, 7,200, फिर इधर 5,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 5,000, और इधर 28,80,000, तो ये आ गए 28,92,200, बढ़ गया ना 28,92,200, मतलब ऐसा नहीं कि कमीज करते जाओ, ठीक है, ऑलराइट। अब ध्यान दीजिएगा आप, जैसे जैसे हम 30,000 से 6,000 तक आए तो उधर टोटल कॉस्ट कम कम होती आई, होते है ना, और फिर हम 5,000 पे और कम किए तो वो तो बढ़ गई, तो इसका मतलब अब 5,000 के नीचे नहीं है, 5,000 के नीचे नहीं है, बराबर है, 5,000 के नीचे नहीं है, ये तो समझ गया ना अपने को, और 6,000 के ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि चेक नहीं किया ना, चेक नहीं किया, हमें तो मालूम नहीं, 6,000 के ऊपर भी हो सकती है, 6,000 के ऊपर भी हो सकती है, हो सकती कि नहीं, 5,000 के नीचे भी हो सकती है, आई मीन 5,000 के नीचे नहीं हो सकती, क्यों, 6 में जितना है उससे 5 में कम है, तो हमारा आंसर 6 और 5 के बीच में कहीं भी हो सकता है, या 6 और 10 के बीच में कहीं भी हो सकता है, अभी गारंटी नहीं कि 6 को मिनिमम दिख रहा तो 7 को मिनिमम नहीं आएगा, या 550 में मिनिमम नहीं आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, समझ रहे ना, तो हमें क्या करना चाहिए, अभी 10, 6 और 10 के बीच में भी हो सकता है और 6 और 5 के बीच में भी हो सकता है, तो 6 और 10 के बीच में यानी 8,000, 7,000 ऐसे अलग अलग लेके देखना पड़ेगा, और फिर 6 और 5 के बीच में यानी 5.5, 6.5 ऐसे अलग अलग लेके देखना पड़ेगा, तो फिर डेफिनेटली शाम हो जाएंगी, हो जाएंगी ना, तो मैथ्स वालों ने क्या किया, मैथ्स वालों ने एक फॉर्मूला ढूंढ के निकाला, वो अपन भी डिराइव कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डेरिवेटिव लगता है, इसलिए जब समय मिलेगा तो मैं डिराइव करके बताऊंगा, लेकिन वी आर सपोज टू यूज इट, दे डोंट गिव डेरिवेशन इन योर मटेरियल्स, आपके मटेरियल में डेरिवेशन वगैरह फॉर्मूला का नहीं दिया है उन्होंने, लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन टेल यू, बट फॉर्मूला अपने को यूज कर जाना चाहिए, तो उन्होंने फॉर्मूला दिया, वो खटक से अपन लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लीजिए, ईओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन आई, ठीक है, अब ये सिंपल है याद रखने के लिए, तू ये वो अपॉन आई, बेटे ऐसा नहीं रखना ख्याल में, ये फालतू तरीके है, क्या है तू ये वो आए, अरे ठीक है ना, जस्ट आपको बता दे, ऐसे भी लोग याद रखते हैं, बट इट्स वेरी सिंपल, टू ए ओ अपॉन आई, बट ये इंपॉर्टेंट है कि ए क्या है, व्हाट इज ए, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट, ओ क्या है, गलत, सिर्फ आधा नहीं बोलने का, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर एनम नहीं है वो, पर ऑर्डर है सिर्फ, एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या है, और आय क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बस इतना याद रखो, और टू तो अपना 1, 2, 3 वाला टू, उसमें कोई, ठीक है, तो ए एन एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ओ एन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आय एन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट की एक साल की, अब आपने पास सारे फिगर है, अंडर रूट टू ए है 36, 3,60,000 है क्या, इंटू ओ, ओ है 100 डिवाइडेड बाय आई, आई है 2, मिला क्या आपको, वे कैलकुलेटर चलाओ, फाइनल आंसर आएगा 6,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स, ये समझाए क्या,
अब हमारी गारंटी है कि आप 6,06,001 पे भी करोगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, और 5,999 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा कॉस्ट आएंगे। कुछ समझ रहे क्या? 6,000 के लिए कितनी कॉस्ट है आप देखिए, 6,000 के लिए कितनी कॉस्ट है? 1 मिनट, 6,000 के लिए कितनी कॉस्ट है? 28,92,000, इससे कम नहीं है। अब फॉर्मूला भी बोलता है 6,000 के लिए 28,90,000, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था कि 6,000 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 6,000 थोड़ा सा कम भी। तो अब यदि हम कैलकुलेट करेंगे फिर से 6,001 के लिए तो बराबर 28,92,000 से ज्यादा आएगा, और आप 5,999 के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो 28,92,000 से ज्यादा आएगा। आप चाहे तो मैं करके बताता हूं, किसके लिए करूं, 6,001 के लिए करूं कि 5,999 के लिए करूं? बोलो, 5,999। चलो देखो, तो ये होगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5,999 × 100, ठीक है। फिर इधर 5,999 डिवाइडेड बाय 2 × 2 यानी 5,999, और ये 28,80,000। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5,999 × 100, तो ये आ गया 6,001, आ रहा ना, 6,001। पैसे छोड़ दिया मैंने, 6,001 है ना। अब टोटल करो, टोटल तीनों की, एक मिनट, ये पैसे भी लेना पड़ेगा पापा, हेलो, पैसे भी लेना पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क है लेकिन लेना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा ये फिगर हम पूरा लिखते हैं, कितना आएगा, 6,001.00016, ठीक है। अब तीनों की टोटल करो, 28,92,200.00016, ज्यादा है ना, बात नहीं करने का। तुम बोलेंगे इतना सा तो ज्यादा है, आया कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आया कि नहीं, नहीं समझे। 6,000 के लिए 6,000 के लिए कितना है, 292,000 है, बराबर है। और 5,999 के लिए कितना है, 28,92,000.00016, भले थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन 0.00016 से तो ज्यादा है कि नहीं है, बताओ मैथमेटिकली है। तो मतलब वो 6,000 पे कम से कम है। वैसे आप 6,001 के लिए भी करके देखोगे तो बराबर इतना ही आएगा, 28,92,000.00016, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, कुछ समझ रहे। तो कम से कम कहां पे है फिर, 6,000। तो इसके बाद हम ईओक्यू कैसा निकालेंगे, ये सब करेंगे क्या, अरे काय को करेंगे, √2AO/I टक 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 डाल देंगे, आंसर निकालेंगे। तो बोलिए तो 2 मिनट में हो गया, तो इतना आपने टाइम वेस्ट क्यों किया हमारा, तुम्हारे से मेरा टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे समझता है कि व्हाट इज हैपनिंग, वो फॉर्मूले समझता नहीं, नंबर एक। नंबर दो, ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला जो बनाया है मैथमेटिक्स वाले लोगों ने, उन्होंने बहुत सारे अजम्पशन माने हैं, और वो अजम्पशन यदि हमारे लिए ट्रू है तो ये फॉर्मूला सही आंसर देता, नहीं तो नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ये अजम्पशन माना है ये फॉर्मूला बनाते समय कि क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मतलब क्या, कि आप एक साथ 30,000 मंगवाओ तब भी वही रेट 8 रुपए, 15,000 मंगवाओ तब भी वही रेट 8 रुपए, 1 यूनिट मंगवाओ तब भी वही रेट 8 रुपए। वास्तव में ऐसा होता है क्या? नहीं, जितना ज्यादा मंगवाएंगे तो रेट थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। तो पहला सबसे बड़ा लैक्यूना ये फॉर्मूले का क्या है, कि जहां पर भी क्वांटिटी डिस्काउंट अलाउड होगा, मतलब हायर क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी के लिए सस्ता मटेरियल मिलता होगा, तो फिर वो लोग ये फॉर्मूला काम नहीं करता, फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे ही करना पड़ता है। मतलब
टेबल बना बना के ही करना पड़ता। आर यू फॉलोइंग? तो अंडर सर्टन सेट ऑफ अजम्पशंस द फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड, सो इफ दो सेट ऑफ अजम्पशंस आर ट्रू इन अ गिवन प्रॉब्लम देन ओनली दैट फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। एंड व्हाट इज दैट अजम्पशन? क्वांटिटी डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, क्वांटिटी डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, ये एक अजम्पशन है। तो ये फॉर्मूला तब चलता है जब क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला तब नहीं लगाना जब वो बोलेंगे कि 500 यूनिट तक मंगवाएंगे तो 8 रुपए रेट, 500 से ज्यादा, 500 से 1000 मंगवाएंगे तो 7.5, 1000 से 2000 मंगवाएंगे तो 7.25, तो क्वांटिटी बढ़ते जा रही तो रेट कम हो रहा, तो ये फॉर्मूला नहीं काम का। तब वो क्या काम करेगा? तब ये काम करेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये टेबल में जैसे जैसे रेट कम होगा वैसे वैसे ये जो मटेरियल कॉस्ट है ना, दिख रहा आपको, ये भी कम कम होते जाएंगे। ये मटेरियल कॉस्ट अभी कांस्टेंट आ रही ना, 28,80,000, 28,80,000, क्यों? रेट सेम है, चाहे आप 5,000 यूनिट मंगवाओ चाहे आप 30,000 यूनिट मंगवाओ, रेट सेम है। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में क्या होता है, बदलते जाता है कि नहीं बदलते जाता है। तो इसलिए हमने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट काफी प्रॉब्लम भी हमें बनाना पड़ेगा, जहां एकदम सिंपल प्रॉब्लम है कि ए वो आय दे दिया और बस बाकी कुछ भी नहीं है और कोई क्वांटिटी डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो खट से फॉर्मूला लिखने का, आंसर निकालने का। लेकिन जहां क्वांटिटी डिस्काउंट है वहां ये टेबल बनाना अनिवार्य होगा, क्योंकि वो फॉर्मूले से आएगा नहीं। इज दैट क्लियर? सो आई नॉट वेस्टेड योर टाइम, नहीं तो बोलेंगे जो चीज 2 मिनट में होने वाली थी उसको तो घंटा भर लगा दिए बोले सवेरे से, तो ऐसा नहीं। लर्निंग प्रोसेस होता है, वो बराबर से सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना पड़ता है। पहले मैं फॉर्मूला बताता तो ये आप सुनते ही नहीं थे, सुनते थे क्या? हट बोले वो तो आ गया, आप क्या सुनने का, ईओ क्यू तो आ गया। ऑलराइट, चलिए, तो हमने ये वेरीफाई भी किया कि वो सच में ईओ क्यू है कि नहीं। आंसर तो आ गया फॉर्मूले से 6,000, लेकिन हमने ये जो है यहां पे ये टोटल कॉस्ट निकाल के सबसे कम यहां आता है वो देख भी लिया, और इसलिए हमारा ईओ क्यू 6,000 है। समझ रहे? इज दैट क्लियर? तो पहला प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब टिपिकल प्रॉब्लम एग्जाम में कैसे आता, उसके लिए आप नेक्स्ट में चलिए। आपका मटेरियल दिया ना आपको, उसमें पहला प्रॉब्लम निकालिए। ये जो बोर्ड पे दिख रहा, मतलब स्क्रीन पे दिख रहा, वही है वो कि देर नहीं है, देख लो, इज इट सेम? आपके पास मटेरियल है ना, उसमें आप प्रॉब्लम्स निकालिए। Chapter 2 मटेरियल, उसमें प्रॉब्लम्स है, पहले थियोरेटिकल पार्ट होगा। बस पेज नंबर बताएंगे आप प्लीज? हेलो, 2.6 पेज नंबर निकालिए मटेरियल का। वहां पे सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि नहीं, देख लो, ये है ना, मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया हूं, देखने के लिए इसलिए बोला कि कभी पुराना वर्षन नया वर्षन ऐसा गड़बड़ हो जाता, इसलिए। चलिए, अब आप ये प्रॉब्लम पढ़िए ध्यान से, क्या दिखा देखो, कैलकुलेट ईओ क्यू फॉर मटेरियल ए। ये प्रॉब्लम आप लिख रहे हैं क्या? हेलो, डोंट राइट द प्रॉब्लम, इट इज देयर ऑलरेडी। कुछ लोग प्रॉब्लम लिख रहे हैं शायद, प्रॉब्लम मत लिखो, कॉपी में है ना, सिर्फ प्रॉब्लम नंबर डालो, क्वेश्चन 2.1 इतना डाल दो, प्रॉब्लम तो है, ठीक है? मैंने बोर्ड पे इसलिए बताया कि कुछ लोगों ने फीस नहीं भरी होंगी तो मटेरियल नहीं मिला होगा, तो वो कहां देखेंगे, तो इसलिए यहां देखो। ऑलराइट, तो कैलकुलेट ईओ क्यू फॉर मटेरियल ए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 यूनिट, तो इसके लिए हमारा सिंबॉल क्या ठहरा हुआ है, ए, तो हम लिखेंगे बाकायदा ए, ए इज इक्वल टू 12,000 यूनिट्स। सिर्फ 12,000 लिख के नहीं छोड़ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर ऑर्डर इज 100, यानी 100 क्या है, ओ लिखना भी है आपको साइमल्टेनियसली, 100 रुपीज, ठीक है? प्राइस पर यूनिट इज 20 रुपीज, यानी क्या है ये, सी, सी इज इक्वल टू रुपीज 20। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डैश, तो ध्यान से देखो, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा 10% पर एनम एंड अदर रुपीज 1 पर यूनिट, तो इंटरेस्ट आता है 10% पर एनम, और अदर मतलब इंश्योरेंस वगैरह जो रहता है वो आता है 1 रुपया पर यूनिट, तो 10% काय का होगा, मटेरियल कॉस्ट का, क्योंकि जितना मटेरियल महंगा उतना उसका इंश्योरेंस ज्यादा, तो ये 10% उसका आएगा, तो 10% ऑफ व्हाट, 20, तो आय मतलब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये होगा 20 रुपए का 10% प्लस 1 रुपया एक्स्ट्रा, ये समझा क्या? कैन यू सी दैट? मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, नो
देखिए कैरिंग कॉस्ट दिखा क्या, कैरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट एक्सेट्रा 10% एंड अदर रुपीज 1 पर यूनिट। तो 10% काय का मटेरियल कॉस्ट का, तो 20,000 का 10% 2 रुपया और 1 रुपया एडिशनल, तो टोटल हो गया 3 रुपये, रुपीज 3 PUPA मतलब पर यूनिट पर एन। और करना क्या है, कैलकुलेट ईओक्यू, सबसे ऊपर लिखा है कैलकुलेट ईओक्यू, तो पहले ईओक्यू का फॉर्मूला लिखो, ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO/I। एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, समझ रहे है? समझ रहे व्हाट इज हैपनिंग, अंडर रूट 2A मतलब 12,000, ओ मतलब 100, आई मतलब 3, कैलकुलेटर चलाएंगे, टू इंटू 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट ऑफ दैट, कितना है 894.427 यूनिट्स, ये रुपीज नहीं यूनिट्स है। अब कुछ लोग इस प्रॉब्लम में आ जाएंगे, सत्ते में आ जाएंगे, बोले 894.27 यूनिट कैसे मंगवाने, 894.27 कैसे मंगवाएंगे 0.27, तो तुमको क्या चिंता है, जो एक्चुअल मंगवाने वाला वो देखते बैठेंगे अपने क्या करने का बराबर है कि नहीं भाई। अब समझो ये सीमेंट है, किलो से मिलता है ना, तो वो बोलेंगे हम 894.427 किलो दे भैया, मतलब 894 किलो और 427 ग्राम इतना दे भैया, तो ठीक है ना, सामने वाला देता होंगे तो ठीक, नहीं तो हम क्या करेंगे, ओलिंग हेड ऐसे नहीं होता भैया, एक एक किलो के मल्टीपल में लेना पड़ेगा, तो फिर हम 894 ले लेंगे। तो ये झगड़ा नहीं है, एक्चुअल लाइफ में थोड़ा कम ज्यादा होता है, ये थियोरेटिकली है, एक्चुअल में थोड़ा प्लस माइनस होता है, तो दिस कम्स टू 894 यूनिट्स, ठीक है, तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे 894 यूनिट्स, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, समझ रहे क्या पक्का। तो ये पार्ट तो खत्म हो गया क्वेश्चन का, क्या बोला था देखो ना क्वेश्चन ने, कैलकुलेट यू क्यू निकाल लिया, फिर आगे लिखा है ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैरिंग, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड टोटल कॉस्ट। तो जो अपने पूरे टेबल में किया था अपन ने, कैरिंग कॉस्ट फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट फिर मटेरियल कॉस्ट, वो करके टोटल मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, तो यहां पे हम वहां पे ऐसा आड़ा किया था, यहां पे ऐसा खड़ा करेंगे क्योंकि एक ही बार करने का, इसलिए तो इसने बोला है कैरिंग कॉस्ट फॉर्मूला याद है क्या आपको, कितना कैसे निकालते हैं, क्यू बाय टू इंटू आई, ठीक है, अब क्यू बाय टू कितना है 894 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई 3 रुपए, समझ रहे क्या, इंटू आई 3 रुपए, फिर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो कैसे निकालते हैं, ए बाय क्यू इंटू ओ, याद है क्या 894 ये आपकी क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी अपॉन, सॉरी गड़बड़ हो गया मेरा, एनुअल कंजम्पशन 12,000 है, 12,000 डिवाइडेड बाय 894 इंटू ओ कितना है 100, और मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल्स कॉस्ट ये कैसा करते ए इंटू सी, याद है क्या 12,000 इंटू 20, तो 12 दूनी 24, 1 2 3 4 5 24 लाख, बराबर है 12,000 इंटू 20 24 लाख, फिर इधर करने का है 12,000 डिवाइडेड बाय 894 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ 1342, बराबर है, 1 0 ज्यादा हो गया क्या, अच्छा उड़ा देते ना क्या, 1 0 उड़ा देते, चलो फिर इधर 894 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आता है 1341,
1341, तीनों की टोटल टोटल कॉस्ट तो 2013 है, 2,40,000 है ना, तो 1,13 यानी 24,26,83 ऐसा आएगा ना रुपीस। तो एक टिपिकल प्रॉब्लम है जो एग्जाम में पूछते हैं इस टाइप का। तो 6 मार्क की तैयारी हो गई आपकी, यानी इफ यू कैन डू दिस प्रॉब्लम तो 100 में से 6 मार्क की तैयारी हो गई। सिंपल है, करते आएगा ना कि नहीं है? अब इतना सिंपल है, इससे आसान दुनिया में क्या हो सकता है कि √2AOQ/I करने का, बस इससे आसान दुनिया में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, समझ रहे ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आप ट्राई करो। सेकेंड प्रॉब्लम, यू जस्ट ट्राई, आई विल वेट फॉर यू। कैसा करना पता चला आपको? पहले अपने नोटेशन के हिसाब से ए क्या है, ओ क्या है, आई क्या है, वो सब लिख लेना। प्रॉब्लम आपके पास है क्यू, सेकेंड क्वेश्चन Q2.2 है ना। अरे आपके मटेरियल में, उधर भी देखने की जरूरत नहीं, मटेरियल में भी है। हाँ उधर देखना है देख सकते हैं, मटेरियल नहीं होगा तो। वॉच किया, उसने जो बोला ना फाइंड आउट लॉस टू द कंपनी फॉर नॉट ऑपरेटिंग, ठीक है, तो आपको वो क्या है बाद में, पहले आप ईओक्यू निकाल लो, पहले आप ईओक्यू निकाल लो, वो क्या है मैं बताता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट किया अपना रिकॉर्डिंग। ए कंपनी फॉर वन ऑफ इट्स ए क्लास आइटम, ए क्लास है ने क्या होता बाद में देखेंगे, एबीसी एनालिस्ट करके नाम रहता है। फिलहाल ऐसा समझ लीजिए ए क्लास है ने वैल्यूएबल आइटम, ऐसा समझ लीजिए, वो होता क्या बाद में समझेंगे। तो फॉर ए क्लास आइटम प्लेस 6 ऑर्डर्स ईच ऑफ साइज 200। अब एक एक ऑर्डर 200-200 का, ऐसे 6 ऑर्डर वो प्लेस कर रहा है साल भर में, इसका मतलब एनुअल कंजम्पशन क्या हुआ? बस देखो बोला कितने होशियार है आप लोग, 6 × 200 = 1200 यूनिट्स, बराबर है एनुअल ये समझा। वो बोलता है कि वो कंपनी फॉर वन ऑफ द ए क्लास आइटम प्लेस 6 ऑर्डर्स इन अ ईयर ऑफ साइज 200। साइज मतलब एट ए टाइम कितना मंगवाते हैं, तो 200-200 यूनिट 6 बार साल भर में मंगवाते हैं, मतलब साल का कंजम्पशन उनका 1200 होना चाहिए, सीधी सी बात। गिवन ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ओ ₹600 per order, होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट का मतलब है होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक में रखते हैं मतलब अपने साथ साल भर कैरी करते हैं, तो कैरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट सेम, ठीक है। तो होल्डिंग कॉस्ट 40% काय का रहता है मटेरियल कॉस्ट का, सो 40% ऑफ मटेरियल कॉस्ट है ₹40, तो आता है ₹16 per unit per annum, पूरा लिखने का 16 कैसा है समझा, 40% कॉस्ट आती है स्टोरेज की, तो 40% एक यूनिट की कॉस्ट ₹40, तो 40% 16 रुपए per unit per annum, एक यूनिट एक साल भर स्टॉक में रखना होगा तो इतना लगेगा। तो अपने को फॉर्मूला में क्या लगता है, AOI इतना ही लगता हो गया ना भैया, फॉर्मूला लिखो EOQ = √2AO/I, दैट इज इक्वल टू √2A मतलब 1200, O मतलब 600 / I मतलब
16, कैलकुलेशन करो, मैं करता हूं 2 × 1200 × 600 डिवाइडेड बाय 16 अंडर रूट 300 आ गया यूनिट्स, पूरा लिखते जाइए, हो गया। मतलब क्या हुआ, यो क्यू 300 है, इसका मतलब क्या हुआ बोलो, कि हम 300 300 यदि मंगवाएंगे तो कॉस्ट कम से कम आएंगे, हेलो 300 300 यदि मंगवाएंगे तो कॉस्ट कम से कम आएंगे, और वो कितने मंगवा रहा है एट ए टाइम 200, इसका मतलब उसकी कॉस्ट हमारे से ज्यादा होंगी कि कम होंगी, ज्यादा। तो जब कम काम में कम दाम में काम होता है तो ज्यादा दाम खर्चा कर रहा है तो हमारा क्या हुआ नुकसान, वही तो पूछ रहा, फाइंड द लॉस टू द कंपनी फॉर नॉट ऑपरेटिंग एट साइंटिफिक इन्वेंट्री पॉलिसी। साइंटिफिक मतलब ईओ क्यू फॉर्मूले वगैरह से निकालो साइंटिफिक, ठीक है समझ रहे ना। तो साइंटिफिक का मतलब एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री वाला साइंस मत पकड़ना, तो किसी को भी लोग साइंटिफिक बोलते हैं, वो ज्योतिष ज्योतिष लोग रहते ना वास्तु वाले, ये वो भी बोलते बड़ा साइंटिफिक है, बोलते क्या बोले साइंटिफिक, बोले नॉर्थ साउथ नहीं सोने का, नॉर्थ साइड में सर करके नहीं सोने का, क्यों साइंटिफिक रीजन है बोले इसको, क्या रीजन है, बॉडी में ब्लड रहता है, हाँ ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है, हाँ हीमोग्लोबिन मतलब आयरन से बनता है, हाँ बरोबर है, आयरन मैग्नेट को चिपकता है, मालूम है ना आपको, है पृथ्वी में मैग्नेट रहता है नॉर्थ साउथ, पढ़े होंगे ना आपने, नॉर्थ साउथ मैग्नेट रहता है ना, अब वो मैग्नेट जो ब्लड के मैग्नेट को ऐसा अफेक्ट करता बोले, इसलिए नॉर्थ साउथ नहीं सोने का, नॉर्थ साउथ नहीं सोने का साइंटिफिक लगा आपने को, साइंटिफिक एकदम भंकस है कैसा बताता हूं मैं, लोहे को अट्रैक्ट करता है मैग्नेट लेकिन स्टेनलेस स्टील को अट्रैक्ट नहीं करता, स्टेनलेस स्टील को मैग्नेट चिपका के देखो नहीं चिपकता, लोहे का ऑक्साइड बना लो फेरस ऑक्साइड, ठीक है ये फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट नीले कलर का स्फटिक रहते हैं, ठीक है उसको आप लगाओ नहीं चिपकता, तो जहां भी फेरस है प्योर वहां पे चिपकेगा, लेकिन उसका यदि कोई कंपाउंड बना लिया फेरस सॉल्ट फेरस सल्फेट फेरस कार्बोनेट नहीं चिपकता, काय के लिए भैया लोहे पर पेंट मार दो आप अच्छे से फिर मैग्नेट नहीं चिपकता, तो फिर हमारा हीमोग्लोबिन क्या प्योर लोहा है क्या, डॉक्टर बोलते ना भैया ऐसा देखते बोलते तुम्हारे पास वो आयरन कम है, बोले तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम है, अब हीमोग्लोबिन आयरन रहता है तो बोले लोहे की पाउडर ही खाओ, बोले होगा क्या, अच्छा नहीं होगा कुछ भी बोलते, तो हीमोग्लोबिन इज डिफरेंट आयरन इज डिफरेंट, मैग्नेट नहीं चिपकेगा। एक बात, पृथ्वी का एक्सिस 6500 किलोमीटर का है, जो मैग्नेट है पृथ्वी का वो एक्सिस जो 6500 किलोमीटर का, नॉर्थ पोल साउथ पोल में अंतर, और हम 6500 किलोमीटर के मुकाबले हम 6 फुट कितने हैं, एक पॉइंट के बराबर है, मतलब 6500 किलोमीटर में हमारी लंबाई एक पॉइंट के बराबर है, अब वो पॉइंट ऐसा सोया क्या और ऐसा सोया क्या, क्या फर्क पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इक्वल रहेगा, फिर भी वो बोलते साइंटिफिक है, ऐसा हमारा है साइंटिफिक है, मतलब कुछ तो फार्मूला वगैरह लगा के किया इसलिए साइंटिफिक है, इसका साइंस से कोई संबंध नहीं, ऐसा बोलने का तरीका रहता है, इट्स वेरी साइंटिफिक। हाँ तो साइंटिफिक नॉट इन द सेंस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड बाकी जो गॉड पार्टिकल वगैरह जो है अभी भी लेटेस्ट निकला है वो नहीं है, ठीक है फिर भी हम उसको साइंटिफिक बोलते हैं, तो कोई भी चीज सिस्टमैटिकली करते ना तो उसको साइंटिफिक बोलते लोग, बाकी कुछ नहीं। तो साइंटिफिक यानी यहां पे हो गया ईओ क्यू कैलकुलेट वगैरह करके करो तो कॉस्ट कम से कम आएंगी, वो नहीं कर रहे वो कम मंगवा रहे तो कॉस्ट ज्यादा आती होंगी, तो दोनों का डिफरेंस निकालने का, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें 300 पे टोटल कॉस्ट क्या आती 200 पे टोटल कॉस्ट क्या आती वो निकाल के डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम वो टेबल बनाएंगे, वो टेबल अपना वाला ये वाला देखो हमारा तो फटाफट हो जाता, अब यहां पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री बोलने के बजाय हम इसको बोलेंगे लॉस टू द कंपनी बोलेंगे ना, अभी स्टेटमेंट ऑफ लॉस टू द कंपनी, हेलो समझ रहे क्या, टेबल वही स्टेटमेंट ऑफ लॉस टू कंपनी फॉर नॉट ऑपरेटिंग एट
ईओक्यू, मतलब कि वो ईओक्यू फॉलो नहीं कर रहे इसलिए उनको कितनी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, जो जो कॉस्ट ज्यादा आ रही है उतना नुकसान है। टाइटल समझा, स्टेटमेंट ऑफ लॉस टू कंपनी फॉर नॉट ऑपरेटिंग एट ईओक्यू, मतलब ईओक्यू 300 है, 300 नहीं बुला रहे, 200 बुला रहे पागल जैसे वो लोग, है ना। तो उसकी वजह से जितना ज्यादा कॉस्ट आ रहा है वो क्या हुआ, लॉस हो गया, ज्यादा कॉस्ट लग गया मतलब लॉस हो गया। तो हमें दो ऑर्डर क्वांटिटी लेना चाहिए, एक अभी वो कितना मंगवा रहे सर बोलो, आपका टेबल हो गया क्या, आई विल वेट फॉर दैट, टेबल कर लो पहले। प्रॉब्लम में बराबर टाइटल होना चाहिए ऊपर जैसा हमने लिखा। अब टाइटल कैसा डालना, जो पूछा वो टाइटल, इसने क्या पूछा, व्हाट इज लॉस टू द कंपनी फॉर नॉट ऑपरेटिंग एट ईओक्यू, वही टाइटल लिखा, स्टेटमेंट ऑफ लॉस टू कंपनी फॉर नॉट ऑपरेटिंग एट ईओक्यू। तो टाइटल मतलब जो पूछा वो टाइटल, बस खत्म बात, हो गया पूरा, हो गया। आगे ऑर्डर क्वांटिटी वो कितना मंगवा रहे हैं, 200 यूनिट्स, प्रेजेंट पॉलिसी, प्रेजेंट पॉलिसी 200 यूनिट मंगवाने का अभी उनका पॉलिसी है, ठीक है। तो 6 ऑर्डर, ठीक है, तो 6 ऑर्डर, एक ऑर्डर को कितना लगता है पैसा, देखो एक ऑर्डर को 600 रुपए, तो 6 ऑर्डर को कितना लगेगा, 3600 रुपए, नहीं तो अपने फॉर्मूले में डाला ना चुपचाप, 1200 डिवाइड बाय 200 इंटू 600 बरोबर 3600 रुपए आ गया। फिर क्यू बाय 2, क्यू कितना है बोलते जाओ, क्यू 200 डिवाइड बाय 2 इंटू आई 16 रुपए है, बराबर है 16 रुपए ना, आए देखो आए 16 रुपए, तो ये हो गया 1600। फिर ए मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 1200 नहीं, एनुअल कंजम्पशन कितना है, 1200 इंटू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी है, 40 रुपए, तो 48,000, डू यू एग्री, टोटल करो 48,000 प्लस 1600 प्लस 3600 53,200 आ रहा क्या, 53,200, यानी वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो उनको खर्चा आ रहा है 53,200, डू एग्री। कोई भी चीज नहीं समझे तो नहीं बोलना चाहिए, समझाए क्या, इतना उनके हिसाब से 6 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो, 6 ऑर्डर मतलब 200 का एक ऑर्डर, तो टोटल कॉस्ट आती 53,200। अब हमारी माने, हमारी माने मतलब ईओक्यू, ईओक्यू कितना है, ईओक्यू इक्वल टू 300 यूनिट्स, तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएंगी, तो 1200 अपॉन 300 इंटू 600 बरोबर 2400। देन इधर Q बाय 2, 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16 2400 आती क्या, देखो 1500 इंटू जो भी है कैलकुलेट करके देख लो, आता है ना कि नहीं आता, आता है। फिर इसके बाद मटेरियल की कॉस्ट तो वही रहनी है 48,000, तो 48,000 और ये 4,000 52,800। अब देखो कहां पे कम है, जाहिर है ईओक्यू पे कम रहेगा ना, जाहिर है ईओक्यू पे कम रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अब कितना कम है, तो वो 400 बचाने का उनको चांस था, तो वो बेवकूफी का काम कर रहे, तो उनको नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो गया, तो लिख दीजिए लॉस फॉर नॉट ऑपरेटिंग एट ईओक्यू, लॉस फॉर नॉट ऑपरेटिंग एट ईओक्यू इक्वल टू 400। लॉस कैसा है समझा ना, अब ये पी एंड एल में डालेंगे तो लॉस नहीं दिखेगा सर, पी एंड एल में हम कॉस्ट डेबिट में डालते हैं, चाहे तुम 52,800 डेबिट डालो चाहे 53,200 डेबिट डालो, लॉस कहां से आएगा, वो तो कॉस्ट है,
जब तक माल बेचते नहीं तब तक के लॉस नहीं होता। तो कॉस्ट वो एफएम अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, डिसीजन मेकिंग के लिए है। वी हैव टू डिसाइड वेदर वी आर डूइंग राइट और रॉन्ग। वी आर डिमांडिंग ओनली 200 यूनिट्स यानी 6 ऑर्डर्स। व्हाट वी शुड डू, वी शुड प्लेस 4 ऑर्डर्स ऑफ 300 ईच सो दैट द टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर विल बी लेस बाय 400। और यदि आप मानते नहीं तो 400 रुपए ज्यादा कॉस्ट लग रही, मतलब 400 नुकसान हो रहा, मतलब नुकसान हो रहा, ठीक है। हम उसको नुकसान बोलते हैं तो अच्छा लगता कि हाँ बड़ा नुकसान है, ठीक है ठीक है। ऑल राइट, कुछ समझ रहे, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, प्रॉब्लम खत्म हो गया। 8 मार्क का प्रॉब्लम है एग्जाम का। हाउ, इधर 3 मार्क, ये इधर, ये 300 रुपए निकाले ना, उसको 3 मार्क और इसको 400 रुपए के लिए 5 मार्क, 8 मार्क का प्रॉब्लम है। आसान है कि नहीं बोलो? अब इससे आसान दुनिया में क्या हो सकता है? कुछ नहीं, बिल्कुल सबसे सिंपल। फिर ये लोग बोलते सीए बहुत कठिन है। ओके, क्या बोलने का, ठीक है। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट जस्ट रेज द क्वेश्चन हैंड एंड आस्क। क्यों पूछ ही नहीं रहे? मेरे को बहुत बेकार लगता, ऐसा लगता कि सो इधर से जा रहा उधर पहुंच रहा कि नहीं, कि उधर से ऐसा टेंजेंशियल जा रहा, बाउंसर जा रहा। बता, पूछो पूछो जो भी डाउट है, फटाक से हाथ ऊपर के पूछो। मैंने बताया आपको कि आप पूछेंगे तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कर्म है। बाकी बहुत सारे लोग पूछना चाहते लेकिन पूछ नहीं पाते, तो यदि आप पर्टिकुलर कोई पूछते हैं तो बड़ा पुण्य लगेगा आपको। सारे लोग दुआएं देंगे कि अच्छा यार मेरी डिफिकल्टीज ने पूछ ली, अच्छा हो गया। पूछा ना बाबा? नहीं पूछे? आपको कुछ तो पूछना है, बोलिए। क्यों करते हैं? देखो, आपके इंटरेस्ट रहता, कैरिंग कॉस्ट में मेजर पोर्शन रहता इंटरेस्ट। उनका सवाल समझ लीजिए पहले। शी सेज दैट कैरिंग कॉस्ट एवरेज में क्यों कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्टॉक पे कैलकुलेट करते हैं, क्यू बाय टू एवरेज स्टॉक है। उसका कारण, जैसे हमने उधार मान लो 2000 रुपए लिए, ठीक है, और एक महीने के बाद 100 लौटाए या 600 उधार, 1200 उधार लिए, एक महीने के बाद 600 लौटाए, फिर एक महीने के बाद 1200 में 100 लौटाते, 1200 रुपए हम लोन लिए आपसे, फिर एक महीने के बाद 100 लौटा दिए, फिर दूसरे महीने में और 100 लौटा दिए, ऐसे 12 महीने में पूरे कर दिए। तो आप मेरे को ब्याज जो है वो पूरे 1200 पे लगाएंगे क्या? शुरुआत पे मुद्दल पे लगाएंगे पूरे 1200 पे साल का लगाएंगे क्या? नहीं। मेरा तो जैसे जैसे बैलेंस कम कम होते गया वैसे वैसे कम कम होते जाना चाहिए ना, बराबर है। तो पहले 1200 पे 11 महीने का, फिर 1100 पे सॉरी पहले 1200 पे 12 महीने का, फिर 1100 पे 11 महीने का, फिर 1000 पे 10 महीने का, और आखिरी पे 1 महीने का, बराबर है ना। ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो ये सब पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो आता वो 600 पे जितना आता उतना ही चाहता। 600 पे साल का निकाल लो एक तरीका, या फिर 1200 पे 12 महीने का, 1100 पे 11 महीने का, ऐसा कम कम करते जाओ, एक ही आता है। तो एवरेज पे क्यों करते हैं? क्योंकि रोज इन्वेंट्री पूरी की पूरी नहीं रहती ना, खत्म होते जाती ना। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 30,000, रोज 1000 हम कंज्यूम कर रहे थे, तो जब इन्वेंट्री में पड़ा है तो इंटरेस्ट लगेगा, जब वो इन्वेंट्री से चला गया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा ना। तो जब हमने प्रोडक्शन को इश्यू कर दिया, मतलब इन्वेंट्री में से चला गया, तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी कैरिंग कॉस्ट नहीं लगेगी। तो कैरिंग कॉस्ट कम कम होते जाएंगी। तो पहले दिन जब ऑर्डर आया था तो 30,000 पे लगेगा, आखिरी के दिन 0 पे लगेंगे। इसलिए हम एवरेज 15,000 पे पूरे साल भर का निकाल लेते, समझा इतना। तो इसलिए कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एवरेज ड्यू डेट वगैरह पढ़े क्या आप? वो क्या है? एवरेज, नाम ही एवरेज है, तो भी एवरेज पे निकालते हैं, क्योंकि रोज का बैलेंस बदलता है। अब मान लो कि मैंने हाउसिंग लोन लिया 1 करोड़ का, अब बैंक का इंटरेस्ट रेट है मान लो 12%, तो 1 करोड़ पे 12% हो गए 12 लाख, साल के एक महीने के हो गए 1 लाख, ठीक है। अब मैंने 1 करोड़ लोन लिया और पहले महीने मेरे को इंटरेस्ट लगाएगा 1 लाख, बराबर है। अब मैं पेमेंट करूंगा उसको कुछ ना कुछ, तो 1 करोड़ का यदि लोन है तो मेरा 1.5 लाख का तो इंस्टॉलमेंट आएगा कम से कम, तो 1.5 लाख मैं पे करूंगा, तो उसमें से 1 लाख तो इंटरेस्ट का चला गया, 50,000 मेरा प्रिंसिपल का चला गया, तो अगले महीने मेरे को इंटरेस्ट कम होना चाहिए ना, कि पूरे 12 लाख में फिर से लगाएंगा? नहीं लगाएंगा, नहीं लगाना चाहिए, बराबर है।
तो आप इफ यू गो टू स्टेट बैंक और एनी अदर नेशनलाइज बैंक, दे ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस. बट इफ यू गो टू बजाज फाइनेंस, ठीक है, और एनी अदर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, दे चार्ज द इंटरेस्ट ऑन द फुल अमाउंट फॉर द होल ईयर, फॉर द होल ईयर. अब कल की बात है, हमारे घर में कुछ काम पेंटिंग वेंटिंग का चल रहा, तो पेंटर को बजाज फाइनेंस से फोन आया. वो पेंटर ने, बहुत बड़ा आदमी नहीं है, अपना मैनुअल काम करता है, इज नॉट अ बिग कॉन्ट्रैक्टर, वो डेली वेजेस पे काम करता है मेरे घर में. तो उसको बजाज फाइनेंस से फोन आया, बोले तुम्हारा मोबाइल लिया था तुमने, उसका इंस्टॉलमेंट बराबर भर दिया टाइम पे, तो तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई. तो उसने मेरे को पूछा, सर क्रेडिट हिस्ट्री क्या होता है? अरे ये थोड़ा सा ये मिट गया भैया, ये थोड़ा ये ना ऑटो ऑफ हो रहा है, इसका प्रॉब्लम है, ऑटो ऑफ हो रहा है वो बीच बीच में. तो व्हाट आई वाज सेइंग, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, मतलब टाइम पे इंस्टॉलमेंट वगैरह दिया तो आप अच्छे हो. तो बोले इसलिए अभी कंपनी ने बोला है कि तुमको 60,000 रुपये लोन चाहिए तो हम दे देंगे. 60,000 नहीं, 6,000, 6,000 भी नहीं, 5,000, 5,000 लोन चाहिए तो हम दे देंगे आपको, और ऐसे ही खर्चे करने के लिए 5,000 लोन. तो उसने पूछा फिर मेरे को रिपेमेंट कितना करना पड़ेगा? ज्यादा नहीं बोले, 5,775 रुपये ऐसे 12 इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे. 60,000 लेंगा, सॉरी 60,000 लेंगा और 5,700 या 5,800 पकड़ो राउंड फिगर, 5,800 देना है 12 इंस्टॉलमेंट में. तो उसको क्या लगा, सिंपल है, बोले 60,000 रुपये तो लोन लिया, 12 इंस्टॉलमेंट तो 5,000 वही हो जाते पर मंथ, और ऊपर से 800 रुपये इंटरेस्ट के लग रहे, बराबर है. तो फिर मैंने उसको कैलकुलेट करके दिया कि परसेंटेज इंटरेस्ट क्या आता, क्या आता होगा, 28% आता, 28% पर एनम. कंपनी क्या करती, ज्यादा नहीं बोले 3% पर मंथ, लेकिन वो पूरे पे 3% निकाल लेते, पूरे पे मतलब फुल अमाउंट पे पूरा निकाल लेते, लेकिन आप महीने महीने में इंस्टॉलमेंट भर रहे उसके नहीं लगाते, उसका डिडक्शन नहीं देते आपको. तो ये प्राइवेट कंपनी जो रहती उनका काम ही रहता है डुबाने का आपको. आप यदि कार टू व्हीलर लिए होंगे तो आपको अनुभव होगा, यू बाय टू व्हीलर और फोर व्हीलर, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द लोन देन सेलिंग द कार और सेलिंग देयर व्हीकल. पहले पूछते हैं, कार आप लेने शोरूम में गए कार लेने के लिए, तो पूछेंगे सर आपका फाइनेंस कहां से है, फाइनेंस कहां से है? मैं बोलूंगा मैं तो अपना चेक दूंगा, मेरे को फाइनेंस वाइनेंस की जरूरत नहीं. तो फिर उसका तो आधा इंटरेस्ट चला जाता, क्योंकि गाड़ी बेचने से उसको 5,000, 10 लाख की गाड़ी बेचते तो कंपनी को 5,000 मिलती डीलर को सिर्फ, और 10 लाख के अगेंस्ट 8 लाख का लोन देता है तो उसको कम से कम 15-20 हज़ार रुपये कमीशन मिलता फाइनेंसर की तरफ से, बैंक की तरफ से. तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट क्या में रहता, लोन बांटने में. आर यू फॉलोइंग? और उसमें भी प्राइवेट वाले से लोन लेंगे, बहुत ही अच्छा, ठीक है. अब वो भी आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते, जैसे मान लो आपने पल्सर देख ली, पल्सर मोटरसाइकिल 1 लाख की मान लो, तो आपको पूछेगा कि आप फाइनेंस कहां से ले रहे, तो आप बोलेंगे SBI से ले रहे. तो बोले SBI का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, बोले कितना है, वो तो 10% लगाते. अच्छा आप, हम तो आपको 6% पे देते. तो बा SBI 10% या 6%, लेकिन वो क्या करता, फ्लैट रेट लगाता, फ्लैट रेट लगा के आपको फ्लैट कर देता. मतलब जितना आपका लोन का टेन्योर होगा 5 साल का, तो इनिशियल अमाउंट पे पूरे 5 साल का इंटरेस्ट लगा देता है, और फिर उसको जितने महीने हैं उससे डिवाइड करके इंस्टॉलमेंट लगा देता है. तो जो बीच बीच में आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे उसकी आपकी सहूलियत नहीं मिलती. तो इफेक्टिवली उसका इंटरेस्ट पड़ता 36%, और स्टेट बैंक का पड़ता रिड्यूसिंग बैलेंस से 10% और 36%. लेकिन लोगों को, बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट की बात समझती है, तो वो लोग दे लैंड अप इन देयर ट्रैप कि बोले स्टेट बैंक 10% या 6%, तो इट्स वेरी गुड. कुछ समझ रहा? तो कभी भी लोन लेना है तो स्टेट बैंक से लेना, नहीं तो कोई भी नेशनलाइज बैंक से लेना, प्राइवेट फाइनेंसर से गलती से भी नहीं लेना, इट्स अ बिग ट्रैप. आर यू फॉलोइंग? सीधी सी बात है, स्टेट बैंक 10% से लोन लेता है तो ये 18-20 से कम तो दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, वो पैसे वहीं से लाते, क्योंकि सीधी सी बात है. एनीवे जान लो, तो आपका जो क्वेश्चन था कि एवरेज पे क्यों निकालते, क्योंकि इन्वेंट्री कम कम होती जाती है, तो रोज एक जैसी इन्वेंट्री नहीं, तो फुल 30,000 पे निकालने की जरूरत नहीं, इसलिए हम एवरेज पे निकालते हैं. और कोई सवाल है बोलिए. इसको होता क्या है बीच बीच में मालूम नहीं. हाँ बोलिए, कोई सवाल तब तक के, ये आ रहा कि नहीं अभी बोलो तो. ठीक है.
थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग है ये। एक्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बेयरिंग्स पर एनम। तो हम सप्लाई क्या करते हैं, रॉ मटेरियल की फिनिश गुड, तो फिनिश गुड के बारे में प्रॉब्लम है, कुछ समझ रहे। तो हमें साल भर में 24 धारा कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बेयरिंग्स पर एनम टू वाई लिमिटेड। तो हमें वाई लिमिटेड नाम की कंपनी को 24,000 बेयरिंग सप्लाई करने हैं, ठीक है, एक साल में ऑन स्टेडी बेसिस। स्टेडी बेसिस का मतलब साल भर में 24,000, तो महीने भर में 2,000, तो 15 दिन में 1,000, तो हफ्ते भर में 500, ऐसा थोड़ा थोड़ा दिन आए उसको, ठीक है। आगे इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 10 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेयरिंग पर मंथ, ठीक है। अभी इन्वेंट्री कॉस्ट है पर बेयरिंग पर मंथ, तो हमारा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट क्या रहता है, पर यूनिट पर एनम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू 10 पैसा पर मंथ है तो इंटू 12 करना पड़ेगा, तो ये आएगा रुपीज 1.20 पर यूनिट पर एनम, इतना समझा, ठीक है। एंड दैट द सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बेयरिंग मैन्युफैक्चर इज 324। सेटअप कॉस्ट मतलब क्या होता है वो देखिए, बेयरिंग मालूम है आपको, बॉल बेयरिंग, जो भी मूविंग पार्ट होते हैं ना उसमें बॉल बेयरिंग होते हैं, जैसा पंखा गोल गोल घूमता है तो उसमें बॉल बेयरिंग होते हैं, आपकी गाड़ी के चक्के घूमते हैं तो बॉल बेयरिंग होता है, स्टेयरिंग व्हील ऐसा करना पड़ता है तो बॉल बेयरिंग होता है। तो जो भी घूमने वाली चीजें होती है ना राउंड में सर्कुलर में, उसमें बॉल बेयरिंग होते हैं, कभी देखा होगा ना बॉल बेयरिंग कि नहीं। अब वो अलग अलग साइजेस के होते हैं, जहां पे लगाना है उसके हिसाब से, ट्रक का बेयरिंग देखेंगे तो इतना बड़ा होगा और ट्रैक्टर का देखेंगे तो और बड़ा होगा ना कि नहीं, और हमारे स्टीयरिंग व्हील का देखेंगे तो छोटा सा होगा, तो अलग अलग साइज के बेयरिंग रहते हैं। बट एक ही मशीन सारे साइज के बेयरिंग मैन्युफैक्चर करती है, एक ही मशीन, ऐसा नहीं कि एक इंच का बेयरिंग बनाए तो अलग मशीन, सवा इंच के लिए अलग, डेढ़ इंच के लिए अलग, ऐसे ऐसे तो वो मशीन मैन्युफैक्चर मर जाएंगे, कितनी मशीन खरीदेंगे बेचारा। तो एक ही मशीन अलग अलग साइजेस के बना सकता है, ठीक है। तो जिसको भी बेयरिंग चाहिए वो उसके पास जाएगा, वो अपना साइज शेप डिजाइन देगा कि मुझे इस टाइप का चाहिए। तो वो जो मैन्युफैक्चरर है एक्स लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर एक्स लिमिटेड, वो बेयरिंग का डायमीटर क्या है, उसका थिकनेस क्या है, उसके हिसाब से वो मशीन को सेट करेगा। पहले वो मशीन को उसके हिसाब से सेट करेगा, और सेट होने के बाद जैसे मान लो उसने एक इंच डायमीटर के लिए सेट किया, तो पहले दो चार बना के देखेगा और एग्जैक्ट एक इंच आता कि नहीं, समझो। पहले तो एक इंच के लिए सेट किया मशीन और फिर बना के देखा दो, तो गिन के देखा तो थोड़े छोटे आए, फिर थोड़ा एडजस्ट किया, फिर दो तीन बना के देखे फिर थोड़े बड़े आए, फिर थोड़ा सा कम किया, फिर एडजस्ट किया और फिर बराबर आ गए। तो क्या होता है कि 5-6 तो ऐसे ट्रायल एंड एरर में खराब हो जाते हैं उसके, क्योंकि हमने ऑर्डर दिया 2 इंच का, तो हम 2 इंच वाला ही लेंगे, कम महीने ज्यादा भी नहीं, बराबर है ना भैया। तो जो अटपटांग साइज के बने वो तो उसको फेंकना पड़ता, तो उसके ऊपर जो मटेरियल लेबर वगैरह लग गया वो सब बेकार हो गया, वेस्ट हो गया। और एक बार यदि सेटिंग परफेक्ट हो गया फिर आप जितने चाहे बना लो, फिर मान लो कि 100 बना लेता एक साथ, तो धड़धड़ धड़धड़ 100 बन जाएंगे एक ही साइज के। लेकिन फिर बेयरिंग का साइज बदल गया तो फिर से मशीन एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर 324 रुपए खर्चा आएगा। आर यू फॉलोइंग, पर सेटअप। तो दिस कॉल्ड ए सेटअप। सेटअप मतलब टू मेक द मशीन रेडी फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड ए सेटअप। आर यू फॉलोइंग, समझ रहे कि नहीं। टू मेक द मशीन रेडी फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्शन, दैट इज सेटअप, ठीक है। तो सेटअप की कॉस्ट आती है 324। अब जितनी बार वो डिस्टर्ब होगा, जितनी बार वो साइज बदलेगा, उतनी बार वो 324 फिर से लगेंगे। अब हमारे को जो चाहिए एक इंच का बेयरिंग चाहिए, कितने चाहिए साल भर में 24,000। तो हम बोलेंगे ऐसा करो ना, एक बार सेट किया ना, पूरे 24,000 बना के रख दो गोडाउन में। अब 24,000 गोडाउन में बना के रखेंगे और उसको तो सप्लाई थोड़ा थोड़ा रोज का करना है, तो गोडाउन में पड़ा रहेगा तो कैरिंग कॉस्ट आएगा, और वो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगेन कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट, इसका कॉम्बो कम से कम लगेगा, ऐसा करना चाहिए। मतलब ईओक्यू छे, अगेन सिर्फ ईओक्यू में जो प्रॉब्लम था उसमें ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट थी, यहां पे ओ को बोलेंगे सेटअप कॉस्ट, बाकी कुछ भी नहीं। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते थे वहां पे, यहां पे बोलेंगे इकोनॉमिक बैच साइज और इकोनॉमिक रन साइज, मतलब एक साथ कितना बनाना है, एक साथ कितना बनाना है, लॉट
साइज क्या होगा। जैसे आपने कभी समोसा खाने गए होंगे रोड साइड टपरी वाले के पास, वहीं अच्छे मिलते समोसे, फाइव स्टार होटल में अच्छे नहीं मिलते, बराबर है ना। रोड साइड होटल टपरी में गए होंगे तो कभी ब्रेक होता है अपना आधा घंटे का, आजू बाजू कहीं टपरी होंगी, अच्छा समोसा मिलता होगा, जाते वहां पे। अब आप गए, आपको तो 15 मिनट में समोसा खा के वापस आने का है, तो फिर आप बोलते कि अरे एक प्लेट समोसा दे, तो बोलते बन रहे, तो अपना ऐसा त्रिकोणी त्रिकोणी बना के ट्रे में लगाते रहते, ये एक लाइन दूसरी लाइन, देखा क्या आपने। और फिर जब पूरा ट्रे भर जाता 200 समोसे हो जाते, तो एकदम 200 कढ़ाई में डालता, मगर एकदम 200 अपना तलते रहता, ठीक है, वो भी 15 मिनट लगता उसको। आप बोलेंगे अरे मेरे को उसमें से दो निकाल, दो तल और मेरे को दे दे गरम गरम, बोलते नहीं ऐसे एक एक दो दो नहीं होता, तो उसका लॉट से 200 समोसे का एकदम 200 तल के रखता है, और वो लॉट हो गया कि फिर 200 कचौरी बनाता, वो तल के रखता, फिर तब तक के 200 समोसे खत्म हो गए तो फिर से 200 एकदम बनाता, तो उसका लॉट साइज, यानी ये लॉट साइज कि एक साथ कितना बनाना है, आर यू फॉलोइंग। तो बेरिंग का भी वैसे ही, एक साथ कितना बनाना है, तो उसको बोलते इकोनॉमिक बैच साइज या इकोनॉमिक लॉट साइज या इकोनॉमिक रन साइज, एक रन में कितना प्रोडक्शन करना है। तो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, इसमें सिर्फ उसके नाम बदल गए, काम वही है। तो हम ईओक्यू की जगह लिखेंगे ईबीक्यू। ईबीक्यू मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, लिख लीजिए इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, और इसी को बोलते इकोनॉमिक रन साइज। इकोनॉमिक रन साइज, रन मतलब एक घाना कितने यूनिट का होगा, रन साइज, क्रिकेट वाला रन नहीं है ये। और इसका फॉर्मूला वही जो अपना था, 2AO/I, ठीक है। इसमें सिर्फ ए क्या होगा, ए क्या होगा, पहले फॉर्मूले में ए क्या था, एनुअल कंजम्पशन, क्योंकि रॉ मटेरियल था, यहां पे एनुअल सप्लाई है, फिनिश गुड सप्लाई करने आपको, तो एनुअल सप्लाई और प्रोडक्शन, एनुअल सप्लाई और प्रोडक्शन, ठीक है। फिर वहां पर ओ क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहां पे ओ को बोलेंगे सेटअप कॉस्ट, सिमिलर है वो, सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, अभी सेटअप कॉस्ट है उसकी रुपीज 324, बराबर है ना। और एनुअल सप्लाई कितना है, 24,000 यूनिट्स या बेरिंग्स, आपको सब मिल गया, एओ आई मिल गया ना कि नहीं मिला, तो फॉर्मूले बाहर डालो, इक्वल टू अंडर रूट 2, ए कितना है 24,000, ओ कितना है 324, और आई कितना है 1.2। कैलकुलेटर चलाओ, ₹48,000 × 324 divided by 1.2 under root 3600 bearings। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक बार उसने सेट कर लिया कि 3600 बना के रुकने का है, तब तक नहीं रुकने का, और वो 3600 जो है उसको थोड़े थोड़े जैसा वो मांगेगा वैसा देते रहने का, जब वो 3600 खत्म हो जाएंगे फिर मशीन सेट करने की, फिर 3600 बनाने का, बाद में चुकने का। ऐसा यदि वो करता है तो साल का उसका सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आएगा, ये लॉजिक है, समझाए। तो सेम मॉडल यहां पे हमने एक्सटेंड किया, मतलब रॉ मटेरियल का मॉडल फिनिश गुड के लिए एक्सटेंड किया, समझा ना आपको, कोई डाउट है तो पूछिए। फिर क्वेश्चन क्या था एक बार अपन देख लेते हैं, व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज, मतलब ये हो गया ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, ऑप्टिमम का मतलब है बेस्ट, तो बेस्ट रन साइज हो गया 3600 बेरिंग, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, इसलिए यहां पे वन लिखता हूं मैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अश्यूमिंग दैट द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6000 बेरिंग पर रन, हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी वुड बी इनकरिंग एज कंपेयर टू द ऑप्टिमम रन सजेस्टेड बाय यू इन वन अबाउ। मतलब कि ईओ क्यू आता है उसका 3600 और रो बेओ को बना रहा 6000, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा खर्चा आएगा। अब खर्चा ज्यादा मतलब लॉस, पिछले प्रॉब्लम में उसको लॉस बोल रहा है, इस प्रॉब्लम में उसको कितना खर्चा ज्यादा आएगा, मतलब वही बात होगी ना। तो पिछले प्रॉब्लम में क्या किया था,
अभी भी बनाना पड़ेगा, बस टेबल बनाओ। अब वो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट लिखेंगे, जैसा पूछा वैसा, सामने वाला पूछेगा वैसा, है ना। सामने वाला पूछेगा आपको, हेलो, हमारे सीए वालों में प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सा बताते, एक स्टोन इधर से जा रहा, जो पूछा वो बताते नहीं, भलता ही बताते, इसके लिए एग्जाम्पल है, एक से एक स्टोन इधर से ऐसा जा रहा, एक ऐसा क्रॉस होते हैं, एक दूसरे को पूछता है हेलो कहाँ जा रहे हो, पिक्चर जा रहे हो क्या, दूसरा बोलता नहीं नहीं जरा पिक्चर जा रहा हूं, फिर बोलता अच्छा मेरे को लगा कि पिक्चर जा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है कि जो पूछा वो नहीं बताया ना बेटा, ठीक है, बताया बराबर उसने, वो पिक्चर जा रहा, उसको भी समझ गया पिक्चर जा रहा, लेकिन जो टोन है गड़बड़ है ना कि नहीं है, तो इसलिए जो पूछा एग्जैक्ट वैसा रिप्लाई होना, तो इसलिए यहां पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द कंपनी। ठीक है, अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह अपने क्या बोलना पड़ेगा, सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अब यहां मटेरियल कॉस्ट कुछ दिया ही नहीं उसने, दिया क्या नहीं, तो ये हटा दो ना, मटेरियल कॉस्ट नहीं होना हमको, ब्लैंक, तो इन्हें कॉलम बनाओ ही मत, आप मेरा पहले से बन के तैयार है इसलिए, ठीक है। अब ऑर्डर क्वांटिटी की जगह क्या बोलेंगे, रन साइज बोलेंगे, बैच साइज या रन साइज, ऑर्डर क्वांटिटी की जगह क्या बोलेंगे, बैच साइज या रन साइज, रन साइज क्यू। अब स्टेटमेंट हमारा बराबर हो गया, स्टेटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट टू कंपनी, रन साइज क्यू, सेटअप कॉस्ट ए बाय क्यू बाय ओ, ए बाय क्यू इंटू ओ, कैरिंग कॉस्ट क्यू बाय टू इंटू, इन दोनों की टोटल, मटेरियल वगैरह तो कॉस्ट दिया नहीं, छोड़ देने को। फिर हम कौन से दो लेवल पे लेना चाहिए, एक तो हमने जो निकाला वो, और एक तो वो कर रहे वो, तो वो क्या कर रहे, 6000, तो पहले 6000 लेते, 6000 बेरिंग्स, फिर ए कितना है अपना 24000 डिवाइड बाय 6000 इंटू 324, फिर कैरिंग कॉस्ट क्या होगा 6000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई 1 रुपया 20 पैसे, याद है क्या आपको, याद है ना, टोटल करेंगे कैलकुलेटर निकाल के, तो ये हो गया 4 6 चौक 4 324 इंटू 4 करना पड़ेगा, 324 इंटू 4 1296 आ रहा क्या, देखो, और 3000 इंटू 1.2 3600, और इन दोनों की टोटल प्लस 1296 4896 आ रहा क्या, समझ रहे ना। फिर ये रिपीट करना पड़ेगा अपने को, क्या रिपीट करना पड़ेगा, हमने कितना बताया ईओक्यू 3600, तो ईबीक्यू इक्वल टू 3600, 24000 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 324, हेलो समझ रहे क्या हो रहा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.2, फिर कैलकुलेटर 24000 डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाइड बाय 324, 2160 आए क्या कि नहीं, और इधर भी आएगा 2160 दूसरे वाला 2160, ट्राई कर लो, 3600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ठीक है, और 2100 इंटू 2 4320, हेलो समझ रहे ना कैलकुलेशन। अब हमारी मानते तो कितना खर्चा आता, 4320, वो अपने मन से कर रहे, कितना आ रहा 4800, तो लॉस टू कंपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी हो गई, बस लिख दो एक्स्ट्रा कॉस्ट,
एक्स्ट्रा कॉस्ट 4896 रुपीज 576 आंसर। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसका मतलब वो जो 6,000 बना रहे उसके बजाय 3600 बनाना चाहिए, तो साल भर के उनके 576 बचेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, डाउट नहीं पूछते आप। फिर ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, इसलिए दो लिखेंगे। फिर अभी व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, यानी मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितनी आएंगी। अब ये तो सिंपल बात है भैया, कुछ भी यूनिट मत रखो, उसने ऑर्डर आई कि बनाओ दे दो, उसकी ऑर्डर आई कि बनाओ दे दो, तो कुछ भी स्टॉक में नहीं रखेंगे तो इन्वेंट्री कॉस्ट जीरो आएगी। बट उसका कहने का मतलब वो नहीं है, शायद टेक्निकली आंसर वही है कि भाई शून्य यूनिट रखो तो नो इन्वेंट्री कॉस्ट, उसको बोलते जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, जिट। क्या बोलते? जस्ट इन टाइम, जिट, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, मतलब कि जब लगा तब बनाने का। जैसा आपकी मम्मी ऐसा करती क्या, कहां पे होता होगा तो मालूम नहीं, बट आपके घर में ऐसा होता क्या कि सवेरे मम्मी उठी ये 5 लीटर का चाय बना के थर्मास में रख दिया, ठीक है, इन्वेंट्री रख दिया है, ठीक है, और जिसको चाहिए भैया वो अपना खोलते जाओ पीते जाओ, ठंडा हुआ तो हमको नहीं बोलने का। ऐसा करते क्या हम? नहीं, हम क्या करते? जस्ट इन टाइम करते, मतलब जब जिसको चाहिए तो बोलते मम्मी चाय बना के दो ना, तो मम्मी बेचारी बना के देती है ना, तो ये क्या हो गया? जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। तो जब आपको चाय पीने की तलफ आ जाए तब आप चाय की ऑर्डर कर दो, तलफ ही बोलते उसको, ठीक है। अरे भैया सवेरे उठो, एक आध दिन चाय नहीं मिला तो कैसा होता, अपन काम नहीं कर पाते, तलफ है, क्योंकि उसमें जो कैफीन रहता है, चाय में भी टैनिन रहता है और कैफीन रहता है, कैफीन ज्यादा मात्रा में रहता है, कॉफी से भी ज्यादा चाय में रहता है, तो इट इज हैबिट फॉर्मिंग, एडिक्टिव। इसलिए सवेरे उठे कि चाय होना, फिर दोपहर को टाइम हो गया कि चाय होना, तलफ आती है, ठीक है। किस किस को तो हर घंटे में चाय होना, ऐसे लोग रहते, पर्टिकुलर ऑफिस गर्ल्स जो रहते हैं ना, ऑफिस में बैंक में काम करने वाले, गवर्नमेंट कंपनी में काम करने वाले, वहां उनको फोकट चाय मिलती है। सच बोल रहा हूं, तो 10 बजे ऑफिस गए कि पहले वो प्यून जो है चाय का पेला ला के रखता, फिर ये हो गया 10 बजे गए बराबर, उसके बजाय वो काम ही नहीं शुरू करता। एक दिन चाय वाले को देर हो गया तो ये बैठे रहते, क्लाइंट आ गया, अरे रुक बोले चाय पीने का ही। फिर उसके बाद 12-1 नहीं बजते तो फिर से चाय, फिर लंच को जाते, लंच के आने के बाद फिर से चाय, फिर घर जाते जाते एक बार फुकट मिलती तो पीछ लो। तो ऐसे प्रॉब्लम रहते, तो एक वो आदत बन जाती, फिर जिस दिन संडे है उस दिन घर में भी वो ऐसा घंटे घंटे में बीवी को तंग करते, चाय रखो चाय रखो, अच्छा तो व्हाट इज दिस चाय रखो, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। अब इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा एग्जाम में, यू विल गेट अ शॉर्ट, थियरी में आता है ना, राइट शॉर्ट नोट ऑन जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, तो वहां ये चाय का एग्जाम्पल मत लेना। तो वहां पे आप क्या लिखेंगे कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री इज टाइप इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वेयर इन नो इन्वेंट्री और मिनिमम इन्वेंट्री इज मेंटेन एंड एज एंड व्हेन प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड इट इज मैन्युफैक्चर्ड और सप्लाइड, दैट इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। समझ गए ना? ठीक है, जैसे अपने गेहूं लाना है, चावल लाना है, तो 9 महीने भर के 8 दिन के लेके आते हैं, तो ये जस्ट इन टाइम नहीं हुआ, बराबर है। लेकिन मान लो कि आपके घर में रोज सवेरे नाश्ता गोकुल से बुलाते होंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? रोज नाश्ता बुलवाएंगे कि एकदम 9 महीने भर का इडली बुला के रख देंगे? नहीं, बराबर है ना भैया? तो क्या करना पड़ेगा? जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, इधर भूख लगी उधर फोन किया। आजकल तो उबेर है और क्या क्या है, उबेर ईट्स है और क्या बहुत सारे है ना, स्विगी क्या क्या है, तो बस फोन कर दो आ जाते बेचारे आधे घंटे में आते ना, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, नो डिड टू मेक स्टॉक ऑफ दैट, ठीक है। अब स्टॉक करने से क्या होता है, इडली वगैरह के बाद दूसरी तो खराब होती है, लेकिन इंडस्ट्री में इन्वेंट्री हम क्यों नहीं रखते है? इन्वेंट्री रखेंगे तो रखने को जगह होना, उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट ब्लॉक हो जाता, कैरिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस, सारे चक्कर रहते हैं, इसलिए पैसा बचाने के लिए हम लोग जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री फॉलो करते हैं। ऑलराइट, तो इफ यू फॉलो जस्ट इन टाइम तो इन्वेंट्री विल बी मिनिमम, बट ये इसका मतलब नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है, वैसा एग्जाम का है, ऐसे एग्जाम में आया था, गलत क्वेश्चन है।
और क्वेश्चन गलत तो आंसर भी गलत होगा ना। अब इसका आंसर हम ऐसा दे सकते हैं कि ये दो लेवल जो हमारे पास है इसमें कम से कम इन्वेंटरी कॉस्ट कहां पे है, बस ये हमारा आंसर देना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए ठीक, इसमें से कितना मिनिमम ऐसा हमें बोलना चाहिए ठीक है। वैसे क्वेश्चन गलत है, मिनिमम तो जब जीरो इन्वेंटरी रहेंगे तो जीरो आएंगे इन्वेंटरी कॉस्ट, यूनिट जीरो रहेंगे तो जीरो आएंगी, बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो कभी कभी कैसा होता है कि भले सामने वाले ने गलत क्वेश्चन पूछा हो लेकिन हमें जरा थोड़ा सा टैक्टफुली आंसर देना पड़ता, सरकमस्टेंशियल देख के देना पड़ता। जैसे मान लो कि आपके घर मेहमान आए, मम्मी उनसे बात कर रही है, मम्मी ने बोला कि वहां पे एक खाली गिलास है किचन में वो लेके आना। क्या बोला मम्मी ने, खाली गिलास है किचन में लेके आओ। तो आप गए किचन में इधर उधर देखे ठीक है और वापस आए, बोले मम्मी एक भी गिलास खाली नहीं। बोले वो क्या बात करता, अभी तो मैंने 12 गिलास धो के रखे वहां पे बेसिन के पास। नहीं नहीं बोले एक भी खाली नहीं है। तो चल बोले कान पकड़ा आपका लेके गए। बोले ये क्या 12 के 12 के दिख नहीं रहे तेरे को। अरे कहा मम्मी वो खाली है उसमें हवा है ना। तो आपका टेक्निकली आंसर सही है कि नहीं, ग्लास में हवा है, मम्मी ने तो खाली ग्लास लाने को बोला था। और यदि मम्मी ऐसा बोलती है कि ग्लास में हवा भरी है, वो ग्लास हवा के साथ ले गया। तो गेस्ट क्या सोचेगा, कौन से पागल खाने में आ गया अपन। कुछ समझ रहे क्या। तो भैया आपको वो ज्यादा मालूम है कि भाई हवा सब जगह रहती है, ग्लास में हवा है, सब बराबर है, लेकिन उनका कहने का मतलब वो नहीं था कि हवा है तो उसको हम खाली बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। तो वैसा ये है, टेक्निकली जीरो यूनिट्स है तो इन्वेंटरी कॉस्ट जीरो रहेंगी, बट वो उसका पूछने का अंदाजा नहीं है। तो उसका उसने अंदाजा शायद ये है कि इन दोनों में कम से कम कौन सा है, तो इन दोनों में कौन सा है, बस वहां लिख दीजिए नेट लाइन तीसरा आंसर ऑफ द टू रन साइज, द मिनिमम इन्वेंटरी कॉस्ट, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट ऑफ द टू रन साइज, द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इज फॉर 3600 बियरिंग्स, इज फॉर 3600 बियरिंग्स एंड इट इज रुपीज 2160 एंड रुपीज 2160 ठीक है। मतलब जैसे लड़के को बताया था मम्मी ने कि ग्लास लेके आ, पहला वाला लड़के ने क्या किया, खाली ग्लास नहीं है बोले। अब वो लड़का थोड़ा होशियार है तो क्या करेगा, वो जो हवा वाला ग्लास है वो लेके आएगा और बोलेगा मम्मी खाली ग्लास तो नहीं मिला लेकिन इसमें हवा है, वो चलेगा क्या, देख लो। ऐसा आंसर हो गया हमारा। समझ रहे क्या, यू हैव टू गिव द आंसर टैक्टफुली, आर यू फॉलोइंग। चलिए तो इसमें कोई डाउट है क्या, बोलिए। क्वेश्चन पूरा हो गया, तीन आइटम है उसमें, 1 2 3 तीनों आंसर हमने कर दिए, डाउट है तो बोलिए। है क्या, नहीं कोई डाउट नहीं, पक्का कोई डाउट नहीं। अच्छा अब इंसिडेंटली आप एक देखिएगा कि ये क्वेश्चन है, बोर्ड पे भी दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आप देखेंगे ईओक्यू के लिए कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम है, दिखा क्या आपको, दिखा कि नहीं, कैरिंग कॉस्ट और अंडू करना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट दिखा क्या और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल है, इधर नहीं है ऊपर नहीं है, तो जहां ईओक्यू है वहां कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल है। पिछला प्रॉब्लम देख लो, 2.2 उसमें भी देख लीजिए ईओक्यू के लिए कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल है, दिखा क्या कि नहीं दिखा। पहला प्रॉब्लम उसमें थोड़ा सा फर्क है 1 रुपए का, देखिए दिखा क्या, 1341 1342। अब वो भी नहीं आता फर्क, वो क्यों आया, हमारा ईओक्यू 894.427 है और हमने लिया 894, इसलिए ये राउंडिंग ऑफ का फर्क है, नहीं तो फर्क नहीं आता। फिर अपन ने जो इलस्ट्रेशन लिया था उसको ले लीजिए 6000 पे, उसमें भी देख लीजिए आप कैरिंग कॉस्ट और
ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि एट ईओक्यू कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर इक्वल। और एक बात देखिएगा, यही वाला स्टेटमेंट में आप देखिए, जैसे जैसे हम यहां तक देखिए 5000 तक, मतलब 30,000 से 5,000 तक देखिए आप, जैसे जैसे हम ऑर्डर क्वांटिटी कम कर रहे हैं, दिख रहा क्या आपको, जैसे जैसे ऑर्डर क्वांटिटी कम कम होते जा रही है, देखो वैसे वैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जा रही है और कैरिंग कॉस्ट कम होते जा रही है। लेकिन जहां ईओक्यू है वहां दोनों इक्वल है, तो हम ऑर्डरिंग कॉस्ट इधर है तो कैरिंग कॉस्ट इधर रहती है, और जैसे जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है वैसे कैरिंग कॉस्ट बढ़ते जाती है, और दोनों कम से कम आते हैं जब वो इक्वल होते हैं, इसलिए आपके ईओक्यू पे दोनों इक्वल होते हैं, कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि एट ईओक्यू कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, प्रोवाइडेड देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट मतलब अलग अलग रेट नहीं होना चाहिए, 8 रुपए ने 8 रुपए कितने भी मंगवाओ, और प्रोवाइडेड देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक। अभी ऐसा क्या है वो बाद में समझेंगे, अभी आज के इतने इतना याद रखो, जैसे आपको पहली क्लास में जब थे तो सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था ना, पहली क्लास में पढ़ाओगे ना सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था, तो सबसे पहले टीचर ने क्या बोला था, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, बताया था। सच था क्या वो? नहीं, लेकिन तब तो आपको वही सच लगा, बराबर है। अब टीचर तब बोलती थी नहीं, दो में से पांच भी जा सकते हैं, 2-5 भी हो सकता है, तो आपको समझता था क्या? नहीं। तो हर चीज का एक वक्त होता है समझाने का, तो अभी वो वक्त नहीं समझाने का मेरे लिए, तो अभी इतना ही वक्त है कि कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर इक्वल। प्रोवाइडेड वाला जो है पार्ट बाद में समझेंगे जब ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी। आर यू फॉलोइंग? कुछ समझ रहे? तो और कुछ पूछना है? वैसे 9 बज गया, आप कोई पूछना है चीज तो पूछिए, बोलिए ना। हर चीज मैंने एक्सप्लेन की, बट फिर भी आपको कोई डाउट है तो पूछिए। और आपके लिए होमवर्क नहीं रहा, जरा मटेरियल बताना, होमवर्क देना पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो अपन ने कर डाले सर, और 2.4 आपको करना है, करके लाएंगे। अब यहां पे क्वांटिटी डिस्काउंट है टेनिसी, हेलो ध्यान दीजिए सब लोग, ये आपको घर में ट्राई करना है। क्वांटिटी डिस्काउंट है यानी आप यदि 50 टन से कम खरीदते हो तो 4000 भाव पड़ेगा, लेकिन 50 टन या 100 तक खरीदते हो तो 4800-680 कम भाव होगा, 100 से 200 खरीदते तो और कम भाव होगा 4560 पर टन, 200 और अप टू 300 खरीदते हैं तो 4400, फिर 300 एंड अबव 4320। अब 300 और उसके आगे कितना भी खरीदो फिर आगे का भाव कम नहीं होता, उसकी कोई लिमिट रहेंगी ना भैया, कि वो कम ही कम करते जाएंगा, नहीं समझे? गेहूं लेने के लिए गया होलसेल मार्केट में, हम उसको बोले भैया 1 किलो होना क्या भाव 30 रुपए, बोले 1 क्विंटल होना क्या भाव 28 रुपए, 10 क्विंटल होना क्या भाव 27 रुपए, बोले 1 लाख क्विंटल होना कितना भाव शून्य में दे दे। ऐसा तो नहीं होगा ना सर, कुछ तो एक लिमिट होगी ना उसकी, कुछ तो लिमिट होगी ही नहीं होगी होगी, तो इसलिए इसने लिमिट दे दिया, भैया 300 के आगे कितना भी खरीदो, बोले इससे कम नहीं मिलेगा। अरे उसको ही नहीं पढ़ता होगा तो क्या करेगा बेचारा, ठीक है? तो लेकिन इतना है कि यहां पे क्वांटिटी डिस्काउंट है, हायर क्वांटिटी आप मंगवाते हो तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल की कम लगती है, इसलिए यहां पे आपका कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, वो ईओक्यू वाला √2AO कुछ नहीं, क्या करना पड़ेगा सीधा अलग अलग साइज पे टेबल बनाते रहना पड़ेगा, और फिर उसमें जो कम से कम आएगा वो आंसर। तो आप करके देखो रफ कॉपी में, जैसा भी जमता टुमारो आई विल डू इट, ठीक है? तो चलिए, कोई डाउट्स है तो पूछने के लिए आ सकते हैं।